मंच दिवस की संध्या पर आप सभी नाट्य प्रेमी सुधी दर्शकों का स्वागत करती है। बताना चाहूंगा कि विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1961 में नेशनल थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। वर्ष 2022 में निर्देशक पीटर सेलर का संदेश। प्यारे दोस्तों, आज जब दुनिया 24 घंटे हर पल सूचनाओं की ड्रिप के सहारे लटकी हुई है, मैं आप सभी सृजनशील लोगों को समय काल की सीमाओं से परे महाकाव्यात्मक वृत्तांत, कालातीत समय, कालातीत परिवर्तन, कालातीत ज्ञान, कालातीत प्रतिबिंब और कालातीत अदृश्य की ओर ले जाने की इजाज़त चाहता हूँ। हम मानव इतिहास के उस महाकाव्यात्मक युग के साक्षी हैं जिसमें दिन प्रतिदिन सामाजिक और मानवीय संबंधों में ऐसे अकल्पनीय परिवर्तन हो रहे हैं जिन्हें शब्दों में बांधना हमारी क्षमताओं से बाहर होता जा रहा है। हम सिर्फ 24 घंटे सूचना और समाचारों के संजाल में ही नहीं फंसे हैं, बल्कि हम सूचनाओं के विस्फोट की नोक पर खड़े हैं। समाचार पत्र, समूचा मीडिया हमारे अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। आज के गहरे विचलन टूटन के अनुभवों को अभिव्यक्ति करने वाले भाषा, नाटकीय तत्व और छवियां गुमसी हो गई हैं और आज समय और जीवन को रिपोर्टाज की जगह अनुभूति परक बनाने की चुनौती हम सभी के सामने है। रंगमंच अनुभूति परक कला है। विशाल सूचना अभियानों, गढ़े गए अनुभवों और भयावह भविष्यवाणियों और लगातार दोहराई जाने वाली संख्याओं से अभिभूत है। इस दुनिया में हम लगातार अकेले होते जा रहे हैं। व्यक्ति की मर्यादा और उनके अनुभव, मित्रता की गरिमा या कहें एक विस्तृत और अजनबी आकाश में छोटे प्रकाश पुंज की उपस्थिति को बचाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। 2 साल के कोविड काल ने लोगों की संवेदना को सीमित और क्षीण किया है, जीवन को संकुचित किया है, रिश्तों के तार जो तोड़े हैं और हमें सभ्यता के संकट की विचित्र जमीन पर पटक दिया है। सभ्यता के संकट के समाधान के कौन से बीज बोएं और उनकी अधिकाधिक खेती की जाए और कैसे झाड़ झंखाड़ के रूप में उगे खरपतवारों को पूरी तरह उखाड़ फेंका जाए, यह बड़ा सवाल है। बड़ी तादाद में लोग सभ्यता से निष्कासन के मुहाने पर खड़े हैं। विवेकहीन हिंसा अप्रत्याशित रूप से लगातार बढ़ रही है। बहुत सारी स्थापित प्रणालियां क्रूरता की पर्याय बन गई हैं। स्मृति को बचाने का क्या तरीका हो, क्या याद रखें, क्या भूलें, वे कौन से अनुष्ठान और संस्कार हैं जो हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं, जो हमें फिर से सोचने और उन कदमों के पूर्वाभ्यास की अनुमति देते हैं जो हमने पहले नहीं उठाए। रंगमंच में महाकाव्यात्मकता, दृष्टि, सोद्देश्यता और सहयोग जैसे संस्कारों के पुनर्जीवन और पुनर्विष्कार की जरूरत है। हमें मंचों को अधिक से अधिक साझा करने और साझेपन को विकसित करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे सुरक्षित मंच चाहिए जहां बात को गहराई से सुना और समझा जा सके। आपकी सृजनशीलता को सलाम, पीटर सेलर्स। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर आयोजित नाट्य संध्या में हमारे विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार जी उपस्थित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। डॉक्टर प्रदीप तिवारी, विशेष सचिव लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग एवं एक्सपोर्ट कमिश्नर लखनऊ, हम आपका अकादमी परिवार में स्वागत करते हैं। साथ ही विशेष सचिव संस्कृति विभाग एवं निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी श्री आनंद कुमार जी की उपस्थिति हमें ऊर्जा से भर देती है। सहायक निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी श्री राहुल श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि ससम्मान दीप प्रज्वलन के लिए आज के विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार जी एवं विशेष सचिव डॉक्टर प्रदीप तिवारी और विशेष सचिव और एवं निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी को मंच पर आमंत्रित करें।
भाई। निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी से सादर अनुरोध है कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। धन्यवाद सर। अतिथियों से सादर अनुरोध है कि अब आप दर्शकों के बीच अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम देखेंगे नाटक अ परफेक्ट फॉर्जरी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ एवं वितरक हां वा मीग्रे को हॉलैंड में उसके आलिशान निवास स्थान से अलाइड आर्ट कमीशन की तरफ से पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानने के लिए लंबी निर्बाधित पूछताछ की कि वर्मियर की प्रसिद्ध पेंटिंग जिसका नाम एडल्टस था को कुख्यात नाजी अफसर को किसने बेचा, जिसके पास से यह उत्कृष्ट कलाकृति बरामद हुई थी। डच पुलिस अपनी पूछताछ के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्मियर की उत्कृष्ट पेंटिंग को नाजी जनरल को बेचने वाला मीग्रे नहीं था, परंतु मीग्रे ने स्वीकार किया कि ये कलाकृति नकली है और इसे उसने स्वयं बनाया है। नाटक आरंभ हो उससे पहले विशेष सूचना, कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में कर लें। यदि आवश्यक हो तो काल सभागार से बाहर जाकर अवश्य उठाएं। भोज्य पदार्थ सभागार में प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन से वीडियो और फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। तो सुधी दर्शकों, लीजिए प्रस्तुत है नाटक अ परफेक्ट फॉर्जरी। Thank you.
कैसे हो? मैं कैसे बताऊं, युद्धों से थके हुए देश में इंसान कैसे हो सकता है भला? पर इतने विध्वंस और मौत के बाद एक खुशी की खबर भी तो होती है। आज 25 मई 1945, आज से ठीक 25 दिन पहले बर्लिन के बंकर में आत्महत्या की थी हिटलर ने। अब दुनिया में इससे भी बेहतर खबर और क्या हो सकती है? और उसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 5 मई 1945 को आजाद हुआ था हमारा देश नीदरलैंड। कितने दिनों के बाद आज फिर से आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हूं कौन जो सुबह सुबह सड़क पे खड़े होकर ऐसे भाषण दे रहा है। असल में मैंने ट्यूलिप के बगीचे को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है, निष्पाप यीशु के शक्ल के जैसे लोगों की लाशों को देखा है। अरे मैंने तो आपको अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम है स्टेफ। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? ठीक है, अगर आपको मेरा यह नाम ना पसंद आया हो तो आप लोग मुझे टीमो कह के पुकार सकते हैं, और अगर यह भी ना पसंद आया हो तो आप लोग मुझे किट कह के पुकार सकते हैं। पता है, मेरी दादी मुझे किट कह के पुकारती थी, लेकिन इस युद्ध में वो सब मारे गए। अच्छा, जिस जगह में खड़ा हूं इस जगह का नाम है काइजर ग्रच। आपको पता है एम्स्टर्डम को क्या कहते हैं? मैं बताता हूं, एम्स्टर्डम को कहते हैं वेनिस ऑफ नॉर्थ। क्यों? क्योंकि जैसे वेनिस शहर नहरों से घिरा हुआ है, वैसे हमारा एम्स्टर्डम भी नहरों से घिरा हुआ है। 3-3 नहरों ने एम्स्टर्डम को घेर रखा है, जिसमें से एक है काइजर ग्रच। वो बड़ा सा मकान आप लोगों को दिख रहा है, वो वाला, उसमें कोई राजा महाराजा नहीं रहते, उसमें रहते हैं मिस्टर हान भाम मिगरे। ये क्या, मिस्टर मिगरे के घर के सामने पुलिस की गाड़ी, और इसमें से ये कौन उतरा? मिस्टर एरन बेन। इनको तो मैं जानता हूं, आपको पता है ये 10 पुलिस के सबसे सशक्त और सनकी पुलिस ऑफिसर हैं। एक मिनट। और हाँ, नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा, ये यहूदी हैं, यहूदी। एक मिनट, मैं पता करके आता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको तो पता ही है कि हम अलाइड आर्ट कमीशन के निर्देश पर पुलिस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। मुझे पता है सर, एम्स्टर्डम में रहते हुए कोई मिस्टर एरन बेन को ना जानता हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको पता है सर, क्या कल जो मिस्टर मिगरे से मिलने आए थे वो कौन थे? कौन? वो थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। हेलो, थैंक यू सर। दो साइन किए मैंने। दो सर? एक मेरा अपना और एक दुमागा। लेकिन इनका सिग्नेचर आप सर? रोक कर पाओगे कि दुमा ने साइन नहीं किया? देखो, तुम्हारे रजिस्टर बुक में साफ साफ लिखा है एरन बेन और उसके नीचे दुमा। हाँ, लेकिन सर, इसे कहते हैं आंखों के सामने धूल झोंकना। चले? हाँ, क्यों नहीं, आइए सर। सर ये बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफी? दो कप कॉफी, एक ग्लास पानी। कॉफी? आइए सर, आइए सर। मिस्टर वाले एक बात बताइए। जी सर। ये इतनी सावधानी बरतने की क्या जरूरत है? सावधानी? यहाँ कोई टकसाली अस्त्रागार है क्या? नो सर, यहाँ जो कुछ भी है वो टकसाली अस्त्रागार नहीं बनाता है। यहाँ ओरिजिनल राफेल, रूबेंस, रेम्ब्रांत, रेनुआ, अपार के जगह एम लगा लीजिए, आपको मिल जाएगा माइकल एंजलो, माने, मुने, मातिस। ये गोरिंग भी पेंटिंग करता था क्या? गोरिंग? नो आइडिया सर, मिस्टर मिगरे बता पाएंगे। पता है, ये सवाल आपके लिए था जी, उनके लिए दूसरे सवाल है हमारे पास। चलिए। हाँ, आइए सर, आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए सर। सर एक मिनट, एक और सवाल है। पहले आप ये बताइए कि समय कितना लेंगे, क्योंकि मिस्टर मिगरे 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और 9 बजे उनका एक और अपॉइंटमेंट है। जी, देखिए, हमें सवाल करने में लगेंगे 2 मिनट 58 सेकंड और उन्हें जवाब देने में
10 सेकंड हाँ। सर आप 15 मिनट ले सकते हैं। धन्यवाद, चलिए आइए। आ जाओ तुम, आइए सर, स्वागत है। आइए सर, सर बैठिए सर। हाँ बताइए। इतना व्यस्त होने के बाद भी आपने हमें समय दिया मिस्टर मिग्रे, थैंक यू। हर एक सच्चे नागरिक को देश के काम में सरकार की मदद करनी चाहिए। ठीक कहा सर। हाय अमरन, अरुण बैन। हेलो मिस्टर बैन, पैरामिलिट्री ट्रूप का ऑफिसर सर, और ये मेरे कलीग मिस्टर दुमा। हेलो। हेलो मिस्टर दुमा। मिस्टर मिग्रे, अलाइड आर्ट कमीशन का गठन किया गया जिसमें हमारा काम ये देखना है कि नाजियों ने हमारे देश से क्या क्या कला संपत्ति चुराई और अपने साथ ले गए। उन सबको ढूंढना और उनके असली मालिकों तक पहुंचाना हमारा काम। ग्रेट जॉब, बट वर्मियर क्यों? सॉरी, वर्मियर तो गुजर गए कई 100 साल पहले, अचानक पुलिस को उनमें इतनी दिलचस्पी क्यों? मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली ऑस्ट्रिया के ओल्ड ओसी से हमें वर्मियर की एक बेशकीमती पेंटिंग हमारे हाथ लगी है जो युद्ध से पहले यही हमारे देश में हॉलैंड में थी सर। ये पेंटिंग ऑस्ट्रिया कैसे पहुंच गई हमें बस यही जानना है। लेकिन इतने छोटे से सवाल के लिए आपको वर्मियर स्पेशलिस्ट के पास आने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी सर, जरूरत तो थी, क्योंकि ऐसे असाधारण सवाल का जवाब तो आप जैसा असाधारण आदमी दे सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये मिस्टर मिग्रे कि उस पेंटिंग के आखिरी मालिक ने कहा है कि उसने पेंटिंग गोरिंग को बेची थी। एक मिनट ऑफिसर, आपने नाम क्या बताया अपना? जी आपने अपना नाम क्या बताया था? बैन, अरुण बैन। ओ, तो आप यहूदी हो? यहूदी हूँ, और मुझे इस बात पर पूरा गर्व है मिस्टर मिग्रे। अच्छा, तभी गोइरिंग पर आपका इतना गुस्सा? 140,000 यहूदियों का खून किया गया इस देश में, और मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना कारण काफी होगा ना नाजियों से नफरत करने के लिए। बिल्कुल नहीं। आई यू रियली डच मिस्टर मिग्रे? व्हाट? नहीं, आई यू रियली डच? कंफर्म कर रहा हूं, ऑपरेशन ब्लैक ट्यूलिप शुरू हो चुका है ना, एक एक जर्मन कुत्तों को लात मार के इस देश से बाहर निकाल। होल्ड योर टंग ऑफिसर, होल्ड योर टंग। मैंने आपको समय इसलिए दिया है क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप लोग वर्मियर के बारे में जानना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई राजनीतिक चर्चा हो। सॉरी, यू शुड बी रियली सॉरी मिस्टर मिग्रे, यू शुड बी। तुम्हें हमें सोचना चाहिए था, एक आर्टिस्ट हमेशा निष्पक्ष और राजनीति से तो खुद को दूर रखता है, क्यों मिस्टर मिग्रे? सॉरी, मेरे पास समय बहुत कम है, अगर आप लोग सीधा सीधा सवाल करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, सीधा सवाल करता हूँ। एक्चुअली हमें 2 आर्ट डीलर्स का पता चला है जिनके पास सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले वो पेंटिंग थी। उनमें से दूसरा व्यक्ति वो था जिसने गोरिंग को वो पेंटिंग बेची थी, पर किसने पहले और किसने बाद में बेची ये पता नहीं चला। दोनों ही कह रहे हैं कि बॉम्बिंग के दौरान उनकी सारी रिकॉर्ड्स बुक्स जलकर खाक हो गई। ऑफ कोर्स हमने दोनों का बयान दर्ज किया, पर मुश्किल ये हो रही है मिस्टर मिग्रे कि दोनों एक ही बात बोले जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंटरेस्टिंग सर, वेरी मच। क्या क्या बताया उन दोनों ने? उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप मिस्टर मिग्रे, आप किसी से पेंटिंग खरीदते हैं और कहते हैं कि आपने दुमा को बेच दिया, और दुमा भी यही बात कहे कि उसने किसी से पेंटिंग खरीदी और आपको बेच दिया। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं मिस्टर मिग्रे। तो सवाल यह रहा कि किसने किससे पेंटिंग खरीदी है, राइट? नो सर, नो। इतने आसान से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आप जैसे महान आर्ट डीलर का वक्त क्यों बर्बाद करें? दरअसल हमें पता चला है वो पेंटिंग उन्होंने आपसे खरीदी है। बकवास कर रहे हैं आप, कॉफी। थैंक यू मिस्टर वेले, बहुत ही सही समय पे आए। सुमा प्लीज कॉफी। या प्लीज प्लीज। सर पानी रख दो, किसी ना किसी को तो प्यास लगेगी। मिस्टर वेले जी सर, हमारे सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, बस उनके सही उत्तर मिलने की देर है, फिर हम चले जाएंगे। ओह सर, अभी आपके पास थोड़ा वक्त है। ओह सो नाइस ऑफ यू मिस्टर वेले। थैंक यू सर। नाइस कॉफी मिस्टर वेले। थैंक यू सर। मिस्टर मिग्रे, अगर आप हमारे साथ कॉफी पियेंगे तो अच्छा लगेगा। कॉफी नहीं पीता हूँ, चाय पीता हूँ, वो भी अकेले। ओ अच्छा, आप लोग वर्मियर की कौन सी पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं? The Adulteress. The Adulteress. Yes. Oh. The Adulteress. The Adulteress.
याद आया, क्राइस्ट एंड द एडल्ट्रेस, दुनिया के मास्टरपीसेस में से एक है ये पेंटिंग। कैनवस पर चार कैरेक्टर्स और सामने ही घुटने पर व्यभिचारिणी, साथ ही उसके सर पर घूंघट और चेहरे पर लज्जा मिश्रित मोहमय हंसी का आभास। जीसस अपने दाएं हाथ की तर्जनी दिखाकर उस व्यभिचारिणी को कुछ कह रहे हैं और उनका बायां हाथ उसके कंधे पर और दुख भरा निष्पाप उनका चेहरा। जीसस के दोनों ओर दो रक्षक हैं और दोनों रक्षकों की भाव को देखकर लग रहा है कि उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि जीसस की तर्जनी पतिता की ओर नहीं, वो दर्शकों की ओर है। मानो वो कहना चाह रहे हो कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। स्प्लेंडर एंड ग्लोइंग मिस्टर मिग्रे। थैंक यू मिस्टर बैन। इतने दिनों पहले देखी गई पेंटिंग का इतना सटीक वर्णन। धुमा, हाँ, ऐसा काम एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। क्या करें मिस्टर बैन, कलाकार को भी कभी कभी डिटेक्टिव बनना पड़ता। ओ, बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई एक पेंटिंग खरीदता है तो वो दूसरे को बेचेगा, बिल्कुल, और दूसरा खरीदता है तो वो तीसरे को बेचेगा। ये तो बड़ी ही आम बात है। आम बात है मिस्टर मिग्रे, पर शायद आपको ये नहीं पता कि उस पेंटिंग का अंतिम मालिक था वो घटिया नाजी गोरिंग। सो व्हाट? सो व्हाट? वो कला के प्रशंसक हैं, इतना ही काफी। सो व्हाट मिस्टर मिग्रे, उस आदमी के इशारे पर हमारा पूरा देश तहस नहस हो गया। 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई, कड़कड़ाते जाड़े के अकाल में भी उसने 30,000 लोगों को मार दिया, और आप कह रहे हैं सो व्हाट? हम तो पता लगा के रहे, हम लगाएंगे कि हमारे देश की कला संपत्तियों को नाजियों के हाथों में किसने बेचा। लगाएंगे। आर यू कम्युनिस्ट? INSB? व्हाट? नहीं, जिन्होंने नाजियों का स्वागत किया था कि आइए हमारे देश को बर्बाद करिए। शट अप! शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपका पुलिस कमिश्नर मेरा खास दोस्त और क्लाइंट भी है। पता है आप बहुत ही प्रख्यात आदमी है मिस्टर मिग्रे, हमें मालूम है, इसीलिए कह रहे हैं। नाम बता दीजिए, क्या नाम था? श्रीवेसांदे या वोल्टर? मुझे नहीं पता, मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं है। हजारों पेंटिंग बेची है, खरीदी है मैंने इतने सालों में, अब उनमें से किसी एक चुनिंदा पेंटिंग का नाम याद ना रख पाना स्वाभाविक बात है। बकवास करते हैं मिस्टर मिग्रे, क्या बात कर रहे हैं। देखिए, वर्नियर की पेंटिंग की संख्या बहुत ज्यादा है नहीं, और हमें यह भी पता चला है कि वो पेंटिंग आपके पास थी, जिसकी कीमत इस समय 16 लाख गिल्डर है, और अभी आपने पेंटिंग के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपको पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बात पे एक छोटा सा बच्चा भी हंस देगा। देखिए, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया हमने, वैसे भी तुम्हारे सर के ब्रेकफास्ट का समय हो रहा है, तो प्लीज बताइए, बोलिए, बोल दीजिए। हरी भाई, बोल दीजिए। आप लोग क्या कहते हो? मैंने जो कुछ भी कहा वो समझ में नहीं आया? शांत हो जाइए मिस्टर मिग्रे, शांत हो जाइए, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं कि आप इतने परेशान हो रहे हैं। लीजिए, पानी पीजिए, पीजिए, पीजिए। मेरी तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस लेना मना है मुझे। दिख रहा है मिस्टर मिग्रे, दिख रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, हमें यह पता है कि आपने पेंटिंग गोरिंग को नहीं बेची, अभी यहाँ से, क्योंकि जब वो नीदरलैंड्स में आया तो आप युद्ध के डर से फ्रांस में छिपके बैठे थे। क्यों बकवास? दूसरी बात दूंगा, जब सबके घर पे बॉम्बिंग हो रही थी तो किसी कारणवश इनका घर बच गया। तो सुनिए, आपका सेल डीड भी बहुत ही अच्छा होगा। आप हद पार कर रहे हैं ऑफिसर। तीसरी बात मिस्टर मिग्रे, वर्मियर स्पेशलिस्ट होने के कारण आप उस पेंटिंग को कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? किसे छुपा? किसे छुपाऊंगा मैं? जवाब दीजिए। मैं क्या? मैं जवाब दे चुका हूं। मैं किसे छुपा? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे चुका हूं। जवाब दीजिए मिस्टर मिग्रे, बोलिए। मैं छुपा हूं? मैं देखिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जाके कुछ भी याद नहीं है मुझे। मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं सच कह रहा हूं, मैं जो किसी को बचाऊंगा। देखिए आप लोग बताइए, चले जाइए यहां से, चले जाइए, चले जाइए। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरी दवाई रख दो।
भोंजे, आप लोग कैसे हो? मैं हूँ एंजो, पेरिस के सड़कों पर पेपर बेचने का काम करता हूँ। और एक बात, आज हमारा पेपर बहुत बिक रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हॉलैंड के प्रख्यात आर्ट डीलर मिस्टर मिगरे को गिरफ्तार किया है उन्हीं की देश की सरकार ने। हाँ हाँ, वैसे जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ ये पेरिस की सबसे व्यस्त सड़क है, और इस सड़क के उस पार वो जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है वो फ्रांस के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ला फिगारो का ऑफिस है, और मैं सालों से इस ऑफिस के बाहर पेपर बेचने का काम करता आया हूँ। प्रेस से पेपर निकला नहीं कि सीधे मेरे हाथ में आ जाता है, और मुझको तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं पेरिस का सबसे बड़ा हॉकर हूँ जो पौफटते ही चिल्लाना शुरू कर देता है, पेपर पेपर न्यूज़पेपर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की। हमें भूख लगी है इसलिए मैं कुछ खा के आता हूँ। मिस्टर लोरेंस, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये मिगरे कोई फेमस पेंटर तो है नहीं, और इसे किसी काम की प्रशंसा भी नहीं सुनी। हाँ ये पेंटिंग करता है लेकिन पेशे से तो आर्ट डीलर है, फिर ऐसे इंसान की गिरफ्तारी में ऐसा क्या खास है कि ला फिगारो के एडिटर इतने परेशान है? मस्या वर्णनी, मैं जानता हूं कि कलाकृति के क्षेत्र में आपका ज्ञान बहुत सराहनीय है, इसलिए ला फिगारो आप पर गर्व महसूस करता है। थैंक यू। लेकिन आप आर्ट क्रिटिक एडिटर, इसलिए खबर के अंदर की खबर की अहमियत आपसे छूट जाती है। आप तो जानते हैं कि गोइंग और उसके साथियों ने कई देशों से बहुत सारी कलाकृतियां लूटी थी और उसे अपने देश जर्मनी पहुंचाई थी। अगर सही समय पर उसे वापस ना लाया गया तो क्या पता ये लोग उन्हें नष्ट कर दे। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये होफर, स्त्री सांदे और ये मिगिरे, ये तीनों नेदरलैंड के ब्लैक मार्केट के सरगना थे। देखिए, एम्स्टर्डम के आर्ट म्यूजियम से क्या क्या गायब हुआ है इसका अंदाजा तो हमें नहीं है। क्या पता रेब्रांट या बोटीचेरी के कोई मास्टर पीस इन तीनों ने ऐसे किसी को बेच दिया हो। सॉरी मिस्टर लोरेल, लेकिन एलाइड आर्ट कमीशन अपना काम कर रहा है। एलाइड आर्ट कमीशन, ये लोग बेवकूफ इंसान, ये लोग ना तो कला को खोज सकते हैं और ना ही कला को जन्म दे सकते। मैंने इनके अधिकारियों से दरख्वास्त कि जिनके पास भी ये सामान है उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि उन्हें पुरस्कृत किया जाए, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक भी ना सुनी। इनका मानना है कि जिसने पेंटिंग खरीदी है जिसने बेची है दोनों ही अपराधी हैं। वही तो होना चाहिए मिस्टर लोरेल, आखिर देश के कानून और एथिक्स तो यही कहते हैं। एथिक्स और कानून, क्या हुआ? चाय पियेंगे आप? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मिस्टर बर्निनी, हाँ, ये देश का एथिक्स और कानून एक भूल भुलैया है, इसके अंदर घुसना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत ही मुश्किल। अगर इसके चक्कर में आप एक बार पड़ गए तो आप खुद भूल जाएंगे कि आप इस चक्कर में क्यों पड़े या आपका उद्देश्य क्या था। समझे? ये लीजिए चाय। मिस्टर वनी, मान लीजिए कि युद्ध के दौरान आपकी दोस्ती किसी जर्मन सैनिक से हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि एलाइस शहर में घुस रहे हैं तो रातों रात जर्मनी भाग जाता है और जाने से पहले आपके घर पर एक क्रेट रखकर जाता है। मेरे घर? हाँ हाँ, मान लीजिए कि जाने से पहले आपके घर एक क्रेट रखकर जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद आप उस क्रेट को खोलते हो तो आप देखते हो कि उसमें दा विंची की मोनालिसा या रेब्रांट की नाइट वॉच, और जिसने उसे आपके घर पर रखा था वो लापता है। तब आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? अरे आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो या आप उस पेंटिंग को चोर बाजार में बेचकर अपना हाथ भी साफ कर सकते हो या उसे जला भी सकते हो। लेकिन बात यह है कि अगर आपने उस पेंटिंग को चोर बाजार में बेच दिया तो उसे वापस ला पाना फिर बहुत कठिन हो जाएगा, और अगर आपने जला दिया तो ललित कला का तो सत्यानाश, और अगर आप इन एलाइड आर्ट कमीशन वालों के पास गए तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। मिस्टर लोरेन, आपकी इन बातों से मुझे एक बात तो समझ में आ रही है। क्या? कि आप एलाइड आर्ट कमीशन पर भरोसा नहीं कर रहे। एलाइड आर्ट कमीशन? लेकिन मिस्टर लोरेन, हाँ, ये हम अखबार वालों का काम थोड़ी ना है। ए, ये मिस्टर वर्डिंग, ये आपने मुझे दुखी कर दिया है। ए, आपको पता है ना कि हमारा अखबार ये ला फिगारो दूसरे अखबारों की तरह नहीं है। फिगारो इज फिगारो। मैं कमिंग सर। हे एग्नेस, कम 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 कम। सॉरी सर, एक्चुअली जैसे मैं ऑफिस पहुंची मुझे पता चला आपने बुलाया है। अरे अरे, ये मीटिंग तो बस ऐसे ही है। ओ बैठो बैठो, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हे, तुम पानी पियोगी? नो सर, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो हाथ तो नहीं उतना? एक्चुअली मिस्टर वनी ने, मैं जल्दबाजी में सीढ़ियों से ऊपर आ गई, मैं भूल ही गई थी कि ऑफिस में लिफ्ट भी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, इसलिए मुझे यू बहुत पसंद है। हे एग्नेस। यस सर। मुझे पता है कि तुम कला की बहुत मेहनती छात्र हो,
तुम्हारे रिव्यूज को लोग हमारे इस लाफिगारो अखबार में बहुत पसंद भी करते हैं। क्या तुम हमें ये वर्मियर के बारे में कुछ बता सकती हो? वर्मियर? यस। योहानस वर्मियर का जन्म हॉलैंड के डेल्फ्ट में 1632 में हुआ था। ओके। 1632 सर। ओके। हाँ, केवल 43 साल ही जीवित रह पाए थे वो। सो सैड। और ज्यादातर कलाकारों की तरह जीते जी उनको भी कोई खास प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। अच्छा। उन्होंने मरने से पहले इतने लोगों से उधार ले रखा था कि उधार चुकाने के लिए उन्हें अपनी पेंटिंग्स तक दे देनी पड़ी थी सर। अच्छा। वेरी सैड। उसके बाद 200 सालों तक उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। 200 इयर्स। फिर 1866 में एक फ्रेंच पेंटर ने उनके पेंटिंग्स को एक नए तरीके से डिस्कवर किया। ओके फ्रेंच। फिर 1866 से 1936 हाँ? इन 70 सालों में उनके सिर्फ 25 पेंटिंग्स ही डिस्कवर की गई। ओके। कभी लंदन में, कभी मैड्रिड में, कभी एथेंस में, तो कभी स्टॉकहोम में सर। स्टॉकहोम में भी? यस। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर इनकी पेंटिंग्स डिस्कवर की गई। ओके। उसके बाद उनको डच स्वर्ण युग का बेहतरीन पेंटर माना गया। ओके दैट्स गोल्डन एज। गुड। लेकिन सर मजे की बात तो ये है कि 1938 से 1943 इन 5 सालों में युद्ध के दौरान अचानक उनके 9 पेंटिंग्स डिस्कवर की गई फ्रॉम नोवेयर। अच्छा। और सबसे अचरज की बात, ये सारी पेंटिंग मिली है फ्रांस से। फ्रांस? Exactly. हाँ, और ये मिग्रे ने इसमें 5-6 पेंटिंग तो खुद खोजी है। ओके। हाँ, गुड। हे एग्नेस, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, कल ही तुमको एम्स्टर्डम जाना है। ये है तुम्हारा नया असाइनमेंट। हम चाहते हैं कि ला फिगारो के पाठकों के लिए तुम मिस्टर मिग्रे का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करो। यस। सॉरी सर, पर ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्नेस? ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, करना चाहिए। सर, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई। हे, बट व्हाई? सर, कभी कभी व्यक्तिगत पसंद नापसंद अपने असल सिद्धांतों को बदल देती है, दैट्स व्हाई आई कांट सर। माय चाइल्ड, आई डिपेंड ऑन यू। एंड डोंट फॉरगेट एग्नेस, यू आर अ प्रोफेशनल वुमन ऑफ ला फिगारो। बट हाउ इज इट पॉसिबल सर? हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी, मिस्टर मिग्रे तो जेल में है, मैं वहां कैसे जा सकती हूं? ए नादान लड़की, ए उसकी चिंता तुम मत करो। एम्स्टर्डम के पुलिस कमिश्नर डिवेल्डी से मेरी जान पहचान है। एंड डोंट फॉरगेट डियर, जिसके लिए तुम काम करने जा रही हो उसका नाम है ला फिगारो। ऐसे जगा के रखेंगे ऑफिसर, थक गया हूं मैं। सब टू यू सर, सब टू यू। 48 घंटों से लगातार जाग रहा हूं। किसी भी सभ्य समाज में ऐसा अत्याचार नहीं होता। देखिए मिस्टर मिग्रे, हमें भी बुरा लग रहा है बुरा। बस आप हमें जवाब दे दीजिए, हमारी गाड़ी आपको घर तक छोड़ के आएगी। यहां तक मैं और धुमा आपके साथ चलेंगे, आपके मखमल के बिस्तर पर सफेद चादर बिछा के सुला के फिर आएंगे। बस हमें बता दीजिए कि वो एडल्ट्रस पेंटिंग आपने किसको बेची, बस बोलिए। मुझे याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। याद करने की कोशिश करिए। मैं सोना चाहता हूँ। सोचिए। सोना चाहता हूँ। ठीक है, सो जाइए। यू स्कॉन्ड्रल बास्टर्ड, गाली मत देना। हमने आपसे कोई गलत शब्द में बात नहीं की है मिस्टर मिग्रे। आराम से सवाल पूछ रहे, आराम से जवाब दे दो। क्या चाहते हैं आप लोग, मैं पागल हो जाऊं? देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? केवल तो शक की बिना पर मुझे उठाकर यहां ले आए हैं। फिर से आपको बता देता हूं, मैं आप मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। And what the hell is this? 2 दिन से लगातार जाग रहा हूं मैं। अम्मी, 2 दिन से जाग रहा है। मेरा सर फटा जा रहा है,
आंखें जल रही है। हमारी भी आंखें जल रही है मिस्टर मिग्रे। मुझे छोड़ दीजिए ऑफिसर, अब मुझसे और सहा नहीं। हम आपको छोड़ देंगे, बस आप हमें बता दीजिए एक ओरिजिनल वर्मियर आपने किसको बेची, बस बोलिए। हाँ ओरिजिनल वर्मियर जी। ओरिजिनल वर्मियर हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। ओरिजिनल वर्म इस हालात में कोई कॉमेडी शो चल रहा है मिस्टर मिग्रे? नहीं ऑफिसर नहीं, हंसी आ रही है आप लोगों की मूर्खता को देखकर। किसने कहा, किसने कहा कि वो ओरिजिनल वर्मियर है? मतलब वो नकल भी तो हो सकती है, फेक हो सकता है। गोरिम को किसने ठगा हो और उसे कुछ समझ में ही ना आया हो। अच्छी कहानी, मैं सोचिए। मैं सोऊंगा। सोच के बताइए। उड़े आइए। राम ज़ादे यहूदी कुत्ते। ये मिस्टर मिग्रे शांत हो जाइए। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, होल्ड इट सर, होल्ड इट सर। ठीक हो तुम? ओह जी। एंड यू मिस्टर मिग्रे, आई एम आस्किंग यू द लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन। जवाब दे दीजिए, वरना वरना अच्छा नहीं होगा मिस्टर मिग्रे। क्या बेरे हो? मैं कितनी बार कहूं कि मुझे पता नहीं है, मुझे मुझे याद नहीं है कुछ भी। आई एम नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी। मुझे मुझे खुद नहीं मालूम मैंने ना जाने कितनी वर्मियर की पेंटिंग्स बेची है। हमें पता है, हमें पता है, हम बता सकते हैं आपको। शायद कुछ याद आ जाए। याद करने की कोशिश तो कीजिए मिस्टर मिग्रे, याद कीजिए। द क्राइस्ट एट इमायूस आपने बेची थी डॉक्टर बूम को 5,20,000 गिल्डर्स में। फिर द इंटीरियर विद ड्रिंकर्स उसी डॉक्टर बूम को 2,22,000 गिल्डर्स में। इंटीरियर विद कार्ड प्लेयर्स एट द सेम प्राइस। और सबसे ज्यादा दाम पर तो द लास्ट सफर 16,00,000 गिल्डर्स में मिस्टर मिग्रे। सिर्फ ये द एडल्ट्रेस आपने किसको बेची मिस्टर मिग्रे? आई बैड नाइट भाई, आ जाए, लेट हिम स्लीप, वी आल्सो नीड रेस्ट। चलो का कोई भविष्य नहीं है, उसको करना ही क्यों? बचपना मत करो हान, आगे एग्जीबिशन है ना तुम्हारी। है ना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, ये पेंटिंग वेंटिंग करना मुझसे नहीं होगा। तुम पैसों के लिए इधर उधर भटकती फिरो और मैं यहाँ घर बैठे पेंटिंग बनाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। इससे तो अच्छा मैं कूली का ही काम कर लूं। अच्छा हान, पागलपन मत करो। घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे मैं ही करूंगी। तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम्हारा काम है पेंटिंग बनाना। अच्छा, और तुम वही करोगे, समझे? नहीं समझा। अच्छा उठो उठो, चलो जाओ, उठो ना। मुझसे नहीं होगा ना, मेरे कंधों में दर्द है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा कंधा दबा देती हूँ, लेकिन वो पेंटिंग आज तुम्हें पूरी करनी ही है। क्या होगा पूरी करके जब गैलरी ही नहीं मिलेगी? उसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा तो कौन सोचेगा? तुम एक पेंटर हो और तुम बस पेंटिंग बनाओ, ठीक है? गैलरी का इंतजाम मैं करूंगी। मैं करूंगी, कहां से कर लूंगी, इतना आसान है गैलरी का इंतजाम करना? हां मैं करूंगी। हां ये क्या? हां ये हिरण का पेंटिंग यहां क्यों पड़ा हुआ है? हां ये यहां क्यों पड़ा हुआ है? हां तुम मेरा क्या हुआ, ये भी रहेगा क्या हमारे एग्जीबिशन में? बिल्कुल, ये हिरण मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। ओ तब ठीक है, रहेगा, लेकिन फिर मेरी भी एक प्रिय पेंटिंग रखनी पड़ेगी। कौन सी? तुम बताओ कौन सी? वो गिरजा जिसे बनाकर तुम कॉलेज में फर्स्ट आए थे, है ना? कितनी गंदी याददाश्त है ऐना तुम्हारी, याद करो सही से। तो हाँ मेरा पोर्ट्रेट ना, लेकिन वो तो कब का खराब हो गया। वो तो बाहर की छवि है ना, उसमें इतना क्या परेशान होना। तुम्हें तो मैंने कई बार पेंट किया है मन ही मन में, लेकिन वो भी नहीं, कोई और। तो फिर ऐसा है, तुम पेंटिंग बनाओ
मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे अरे आना कहाँ जा रही है आना, मेरी बात तो सुनती जाओ। आई लव यू आना, तुम मेरी बात तो सुनती जाओ ना, कहाँ भागे जा रही हो? बोलो बोलो। बोल दूँ? हाँ ठीक है तो सुनो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप जिस एग्जीबिशन में आए हैं यहाँ की सारी पेंटिंग आप लोग खरीद सकते हैं केवल एक को छोड़कर। वो कौन सी मौसी? वो है द बॉडी पेंट ऑफ एना। तुम्हें रंगूंगा सपनों के रंग में, तुम्हारे पूरे बदन को रंगूंगा आसमान के कोबाल्ट ब्लू में, तुम्हारी जुल्फों को रंगूंगा सूर्योदय के वर्मिलियन वेव से, दिगंत रेखा के सैफ्रिन से बनाऊंगा तुम्हारी आंखें, चुलिप के लेमन येलो से रंगूंगा तुम्हारे टीले को, और टीले के शिखर पर उगेगा समंदर से मांगा हुआ अल्ट्रा मैरिन ब्लू लिली। सिगार लाकर दोगे? सर बिल्कुल दूंगा। कब दोगे? पहले आप ये बताइए चाय पियेंगे? मैं 8:30 बजे नाश्ता करता हूँ और उसी समय चाय पीता हूँ। पता है सर, मुझे ऑफिसर ने बताया है कि आप 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सर बताइए आज आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? अच्छा, जेल में कैदियों की पसंद के मुताबिक खाना मिलता है। सर आप बाकी कैदियों की तरह थोड़ी है। अच्छा हाँ, मैं ये बताने आया था कि बाहर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मुझसे मिलने? जी सर। इस जेल में? हाँ। कौन? एक महिला पत्रकार है सर। पत्रकार? जी सर, कहती है कि पेरिस से हो। पेरिस से हो या नरक से, बोल दो, मैं मिलना नहीं चाहता। क्या हुआ सर? ऐसे ऐसे पत्रकारों को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ, कुत्तों की तरह खबरें ढूंढते फिरते हैं। इंसान की कोई अहमियत नहीं है लोगों की जिंदगी में। लोग चलते भी रहेंगे तो ये पानी नहीं डालेंगे, फोटो खींचेंगे, क्योंकि फोटो कल के अखबार में छपेगी तभी तो इनकी खबर बिकेगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसे वापस जाने के लिए बोलो, मैं नहीं मिलना चाहता। ओके सर। सुनो। जी सर। ये जेल में पत्रकार को आने की परमिशन किसने दी? सर पुलिस कमिश्नर डीवेल्डी ने परमिशन। किसी ने भी दियो, मना कर दो, मैं नहीं मिलना चाहता। भेजता हूँ सर। मैं नहीं मिलना चाहता, मैं कह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
सालों के बाद। एना? एना कौन? एना, सॉरी, आपका क्या नाम है? ये लीजिए आपके लिए, मुझे भेजा गया है आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए, पर तो मुझे आपका इंटरव्यू नहीं लेना, क्या हम दोस्त बनकर बात कर सकते हैं? ओहो, मैं तो अपना नाम ही बताना भूल गई। आई एम एग्नेस फ्रॉम पेरिस। गुड मॉर्निंग सर, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, उठ जाइए, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ सर, सिगार। अब तो आप खुश हैं, और सर ये लाइटर, मेरा सिगार। थैंक यू सो मच सर। कल जो महिला पत्रकार आपसे मिलने के लिए आई थी वो आज फिर आई है, भेज दूँ उनको? ओके सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप इतनी सुबह? मुझे पता चला कि आप घड़ी की सुई के साथ चलना पसंद करते हैं, 8:30 ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह की चाय आपके साथ पी जाए। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, पत्रकारों से मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ। अच्छा, पत्रकार, क्रिटिक, ये सब सुनते ही मेरे अंदर इरिटेशन शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने क्रिटिक्स को पैदा करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, अगर उन्हें पहले पता होता कि ये लोग इतने मूर्ख निकल जाएंगे तो यकीन मानिए ईश्वर इस पर शर्मिंदगी महसूस करते। मिस्टर मिगरे, आपकी ये सारी बातें सुनकर तो मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए, या फिर लाफ फिगारो जाके ये लिखना चाहिए कि आप कितने बुरे इंसान हैं। खेल लीजिए, मगर मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहूंगी। हालांकि आर्ट क्रिटिक के तौर पर मुझे बहुत सम्मान मिला है, लेकिन उस परिचय को हटाकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मगर फिर भी आपको बुरा लगे तो एक चाय पीकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप मुझसे बहुत छोटी हो एग्नेस, अगर मेरी बातों ने आपको हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि मुझे आपके अखबार की बिक्री बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूँ। ओके फाइन, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट मिस्टर मिगरे, मैं आप पर कोई जोर नहीं डालूंगी, मगर मिस्टर मिगरे मुझे लगता है ना कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसे कई घटनाएं होती है जिनका सामना करने में वह डरते हैं, और मुझे तो ये भी लगता है कि हर इंसान को डरने का और डर से छुटकारा पाने का अधिकार है। डर? हाँ? किसे? आपको क्या लगता है? हाँ? मैं ये वर्दी वाले पुलिस अफसरों से डरता हूँ? हाँ? किस चीज का डर दिखा रही हैं आप मुझे? फांसी का? मैं फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा हो जाऊंगा और वो लोग मुझे गोली मारेंगे इसका, या वो मेरी संपत्ति लूट लेंगे इस बात का? हाँ? किस चीज का डर दिखा रही हैं आप मुझे? याद रखिए, फुटपाथ से उठकर ख्याति के शिखर तक पहुंचा हूं मैं, एक ठोकर मार के फिर से फुटपाथ पर आ सकता हूं। भुखमरी सहकर आया हूं, मुझे डराइएगा मत, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, इसलिए किसी दूसरे के लिए रोने की इच्छा या अवसर दोनों ही मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ मैं हूं। मैंने जो किया ठीक किया, दुनिया के किसी भी बास्टर्ड को जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे डराते मुझे। क्या किया है आपने मिस्टर मिगरे, बताइए? क्या आपने कहा ना कि जो किया ठीक किया, क्या किया है आपने? कब का? अभी आपने तो कहा, आपको क्यों बताऊं? नहीं, आप नहीं भी कह सकते हैं, मगर मिस्टर मिगरे मुझे लगता है ना
कि इंसान की जिंदगी में ये ब्रश, कैनवास, रंग, पेंटिंग्स के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। संपर्क होता है, जिम्मेदारियां होती है, स्नेह होता है, माया होती है, लेकिन लेकिन इन सारे पहलुओं को तो आपने कभी देखा ही नहीं। अपनी जवानी के दिनों में आपने एक पेंटिंग बनाई थी, याद है आपको? एक हिरन की। उस एक आंख वाले हिरन की तरह आपने अपनी पूरी जिंदगी देखी है, क्या आपका पछतावा नहीं होता? बताइए। एक कप चाय और लाती हूँ। ना जाने क्यों तुम जैसी नौ सिग्या क्रिटिक को मैं इतना अभाव दे रहा हूँ। भाव देने लायक हूँ इसलिए। क्यों, मैं इतनी बदसूरत हूँ या मुझ में समझ नहीं है आपसे बातचीत करने की? ये लीजिए। एक बात बताती हूँ आपको मिस्टर मीग्रे, मेरे ऑफिस ने मुझे भेजा है आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए। ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आपकी गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा का विषय है, एक आर्ट डीलर का और उनके छिपे हुए संबंधों का। और ला फिगारो इस एक्सक्लूसिव स्कूप को सबसे पहले फ्लैश करना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मगर सिर्फ मैं अपने पेशे की वजह से यहाँ नहीं आई, मैं असली मेगेरी को जानना चाहती हूँ, उन्हें छूना चाहती हूँ, उस मेगेरे को जिसे कभी किसी ने ना छुआ हो। जो ऐना थी, उनकी आंखों का तारा, उनके सभी सपनों का हिस्सा, जिसने अपना सब कुछ, घर परिवार सब कुछ छोड़ के आपके साथ आना पड़ा था, फिर उसी ऐना को आपकी जिंदगी से वापस क्यों जाना पड़ा मिस्टर मेगरे? बताइए ऐना। हाँ, आप ऐना को कैसे जानती है? मिस्टर मेगरे, आप ये शायद भूल रहे हैं कि पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकारों को अपनी जानकारी रखनी पड़ती है। आप ऐना को पहचानती हैं? मैं उसे जानती। कैसे जानती? जानना चाहती थी इसलिए, जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपके बागी लड़के जैक को गोली लगी थी, उसके लाश की शिनाख्त करने आप क्यों नहीं गए थे? इज्जत बचाने के लिए, या राजनीति में फंस ना जाए इसलिए, या फिर ऐना को छोड़कर चली गई थी क्या इसलिए आपने उसके बच्चों को धुतका दिया? क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि ऐना के गर्भ से जो बच्ची पैदा हुई थी उसके पिता आप थे? जब आप ख्याति के शिखर पर थे, एक के बाद एक बर्नेस की पेंटिंग्स बेचकर करोड़ों गिल्डर्स के मालिक बन चुके थे, फिर क्यों ऐना आपको छोड़कर सुमात्रा में गरीबी में गुजारा करना पड़ा था? मिस्टर मेगरे, ऐना आपको छोड़कर क्यों चले गए? बताइए मिस्टर मेगरे जी को देखने आप क्यों नहीं गए थे? बताइए मिस्टर मेगरे। ऐना को ढूंढा था मैंने ऐना को ढूंढा था, उसके घर का पता लगा के वहां पैसा भी भिजवाया था, लेकिन वो पैसा वापस आ गया था क्योंकि ऐना कहीं और चली गई थी। एक चिट्ठी आई थी मेरे पास जिसमें जैक ने लिखा था कि आइंदा से पैसा भिजवा कर मेरी माँ का अपमान करने की कोशिश मत करिएगा। ऐना को ढूंढा था। सॉरी मैम, आपने शायद कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया, जरूरत से ज्यादा। सॉरी ऑफिसर्स, वेरी सॉरी। गुड बाय मिस्टर मेगरे, गुड बाय। सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सच में? हाँ। आप मुझसे बात करेंगे? हाँ। जीसस। लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ। कहिए। मैं इस जेल में तुम्हारी एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, एक पोर्ट्रेट। मेरी? हाँ। But why? क्योंकि तुम मेरे किसी बहुत करीबी जैसी दिखती हो। राजी?
तो मिस्टर मीगरे, कल रात अच्छे से नींद आई ना? खाना वाना सब सही से मिल रहा है? कोई स्पेशल डिश हो तो बताइएगा, सब कुछ मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय यू मिस्टर मीगरे। सुनिए, हेलो, किसे? चाहोगे, शिद्दत से चाहोगे, सच में चाहोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें याद है उस दिन जब मैं सुबह सुबह मिस्टर ब्रेडियोस के घर गई थी, उनके सेक्रेटरी ने तो मुझे मिलने ही नहीं दिया, तो फिर आज सुबह सुबह मैं उनके घर चली गई। हान, कल रात को जब तुम रोते रोते सो गए थे ना, मैं चुपचाप खिड़की के पास गई। चांदनी रात में पूरी धरती सफेद चादर सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जीसस की वाणी बह रही हो। सच? हाँ हाँ, मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। मैं सुबह सुबह उठी और मिस्टर ब्रेडियो से घर चली गई। जैसे ही मैं घर से निकले ना, मैंने उनकी आंखों में आके डाल कर कहा, सर सर आपको आना ही पड़ेगा। वो मुस्कुराए और बोले, कहाँ? मैंने कहा, सर कुंस्तजार गैलरी। सर सर, मेरे हस्बैंड की जिंदगी की पहली पेंटिंग एग्जीबिशन है सर। इसकी लोगों ने पिछले एक महीने से खाना नहीं खाया है, पता है क्यों? सिर्फ पैसे बचाने के लिए। सर सर सर, मेरे सारे गहने गिरवी रखे हैं आर्ट गैलरी का किराया देने के लिए। सर हमने दिन रात जा करके फ्रेमिंग की है, माउंटिंग की है, सिर्फ इसीलिए कि बस एक बार आपको दिखाना है। सर सर, आप सिर्फ नीदरलैंड के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। अगर आप आकर हमारे विजिटर्स बुक में सिर्फ दो लाइनें, सर सिर्फ दो लाइनें लिख देंगे ना सर, सर हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। प्लीज सर सर, प्लीज प्लीज। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बातें किए जा रही थी। बस मेरी आंखों से पानी गिर रहा था। उसके बाद पता क्या हुआ, कुछ देर वो खड़े रहे और बोले, ठीक है मैं आऊंगा। उसके बाद से हाँ, मैं उड़े जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पास पहुंचना था। और पता है, पार्क में उस फूल वाली को अपनी अंतिम चूड़ी देकर उसकी सारी ट्यूलिप खरीद लाई। ये देखो, तुम देखना हान, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी दुनिया तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कलाकार का दर्जा देगी। क्या हुआ, तुम मायूस क्यों हो गए? बोलो, आज तो हमारा सपना सच होने जा रहा है ना? मुझसे अब और नहीं झेला जा रहा है ना? इस एग्जीबिशन की वजह से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। जिस दिन से मैं तुम्हें लेकर भागा हूँ, उस दिन से आज तक मैं तुम्हें थोड़ी सी भी शांति नहीं दे पाया हूँ, है ना? और अपने बच्चे जैक और इनेव की ठीक से परवरिश भी नहीं कर पाया। तुम पैसों के लिए इधर उधर भटकती रही और मैं एक हारे हुए सैनिक की तरह ये पोर्ट्रेट्स बनाकर भी घर नहीं चला पाया, है ना? है ना, मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, है ना? अगर मेरी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी तो? अगर तुम्हारी एक भी पेंटिंग ना बिकी तो मैं तुम्हारी सारी पेंटिंग खरीद लूंगी, तुम्हें लाखों चुम्मों की गिल्डर्स देकर।
सच्ची बोलती हो है ना तुम। अच्छा हान, बहुत सारा काम पड़ा है ना, चले काम करेंगे। हान बताओ जरा ये पेंटिंग कहाँ रख दूँ? कौन सी? अरे ये। अरे तुम्हें याद है? कैसे बोल सकती हूँ, कॉलेज के दिनों में मैं तुम्हें दूर से देखा करती थी और तुम घमंडी अपने काम में ही व्यस्त रहते थे, लड़कियों को तो भाव ही नहीं देते थे, और जब से तुम ये पेंटिंग बनाकर फर्स्ट आए थे हाँ तुम और भी घमंडी हो गए थे। अरे क्या करूं, इसी पेंटिंग की वजह से तो मुझे पहली बार पहचान मिली थी। उस दिन प्रिंसिपल जब मेरे नाम की घोषणा कर रहे थे तब मेरी आंखें भर आई। उस दिन मैंने अपनी माँ को बहुत याद किया था, क्योंकि क्योंकि पेंटिंग बनाने की वजह से मेरे पिताजी मुझे बहुत पीटा करते थे, लेकिन मेरी माँ ही थी जो उनसे छुप छुप कर मुझे पेंसिल स्केच वगैरह दिलाया करती थी। उस दिन फर्स्ट आकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन लेकिन तुमने आकर मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। तुम्हारे इतने हिम्मत कि एक आर्टिस्ट के रास्ते में रुकावट डालो। सुनिए रुकिए जरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धन्यवाद, बड़ी ही प्यारी पेंटिंग है आपकी। थैंक यू। वैसे किसकी नकल की है जरा बताइए तो, देहू या तबार? मतलब वो पेंटिंग नकल की हुई है, मैंने देखी है, बस याद नहीं कर पा रही हूँ। डरिए मत, मैं आपसे आपका प्राइस छीन नहीं लूंगी। आप पेंटिंग बनाती हैं? जी नहीं, देखती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा, देखिए आपका ये रवैया देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। रोटरडैम के पास आज भी वो गिरजाघर है, अगर आपको यकीन ना हो तो कल आइए, आपको दिखा दूंगा, अगर कल आप में आने का साहस हो तो। बाय। अच्छा है ना? है ना, इस एग्जीबिशन के बाद हम फिर से उस गिरजाघर में चलेंगे, है ना, और इस बार जैक और इनेव को भी साथ में लेकर चलेंगे। तुम उन बच्चों को लेकर गिरजाघर की सीढ़ियों पर बैठ जाना और मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। उस दिन जब तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी तो एक प्रेमिका के तौर पर, लेकिन इस बार जब मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा तो एक माँ के तौर पर। तुम चलोगी ना? तुम चलोगी ना? ना चलोगी ना? एग्जीबिशन में कितना काम पड़ा है, तुम भी ना। हाँ, ये ट्यूलिप कहाँ लगा दूँ? अरे वही रख दो, अच्छे तो लग रहे। जी नहीं, ये यहाँ अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आप शायद ये भूल रही हैं कि कॉलेज में मैं एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। और आप भी भूल रहे हैं मिस्टर मिगरे कि मैं कल भी एक पेंटर की बेबी थी और आज भी हूँ। बहुत कूल। केट कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तुमने वो इनविटेशन कार्ड बांट दिए? हाँ, लेकिन बस थोड़े से बचे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, सुनो हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तुम यहाँ की थोड़ी सी देखभाल करते रहना, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। खान हाँ चलो ना। अरे ये पेंटिंग खुद मोर खेन, आप लोग कैसे हो? मैं हूँ किट। वैसे आज की सुबह कितनी खूबसूरत और सुहावनी है ना। हाँ, सूरज तो रोज ही उगता है, लेकिन कभी कभी नींद से उठते ही ऐसा लगता है कि जैसे आज एक नया सवेरा हो। ये अप्रैल 1917 है और पूरे हॉलैंड में ट्यूलिप उगना शुरू ही हुआ है। हर बगीचे में ट्यूलिप ही ट्यूलिप नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रंगों का त्योहार हो, कोई प्रेम का उत्सव हो। और एक बात बताऊं, ऐसी ही एक खूबसूरत स्थिति में ही तो एक खूबसूरत सपना जन्म लेता है ना। हाँ, ये उत्तर सागर के हेग शहर की कुलसाजाल गैलरी है और यहीं शुरू होगा एक युवा कलाकार की कला का पहला एग्जीबिशन। वैसे मैं इस कलाकार को जानता तो नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है किसी के सपनों का भागीदार बनना। जब कोई युवा कभी अपने खाने के पैसे से कविता की कोई नई किताब छापता है तो उसकी किताब को लेकर किसी अच्छी सी लाइब्रेरी के सामने खड़ा हो जाता हूँ। वैसे मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, ऐसा करने से दो चार गिल्डर्स हमारी जेब में भी आ जाते हैं। लेकिन आज जिस कलाकार की कला का प्रदर्शन होने वाला है उसकी हालत इतनी खराब है कि वो मुझे अपने सपनों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी
फिर भी मैं उसके एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड बांट रहा हूँ। क्या मैं महान आदमी हूँ? जी नहीं, मैं महान आदमी नहीं हूँ। आपको पता है 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ था तो वो युद्ध पूरे देश में फैल गया था। मुझे लाशों से घृणा है, मुझे मुझे युद्ध से नफरत है, इसलिए मैं ये इन्विटेशन कार्ड बांटते हुए एक ऐसी दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ पर कोई युद्ध ना हो। आपको एक बात बताऊँ, ये जो पेंटर है ना, ये पेंटिंग्स नहीं बनाते हैं, ये लोग सपना बनाते हैं, सपना। तो अब इस स्वप्नहीन दुनिया में खड़े होकर किसी के सपनों का भागीदार बनने की इच्छा किसकी नहीं होगी? भाई मेरी तो है। आप भी चलिए ना सर, सर आप भी चलिए सर। सर 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 प्लीज इधर सर मैं आपसे एक बात यहाँ आना मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे यहाँ लाने के लिए जितना आप लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे, जितना आग्रह किया था, जितनी सज्जनता आपने दिखाई थी, उतने सज्जन आप लोग हैं नहीं। अभी आप लोगों को तमीज सीखने की जरूरत है। मैंने आशा की थी कि मेरे स्वागत के लिए कोई बाहर खड़ा होगा। I'm really very sorry sir. दरअसल आप इतनी जल्दी आ जाएंगे ना, इस बात का मैं अंदाजा नहीं था। पर बाहर बाहर कीट था सर। जी वो लड़का हैट लगा के। किट? जी जी जी। बाहर जो लड़का इनविटेशन कार्ड बांट रहा था वो? जी हाँ। वो तो मुझे जानता ही नहीं। ओह गॉड, I'm so sorry sir. सर ये सब हमारे अनुभव की कमी है, प्लीज so sorry सर। कैटलॉग दिखाइए। जी हाँ जी हाँ। है ना? हाँ सर। सर ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर हान वा मिगरे, आज इन्हीं की पहली पेंटिंग एग्जीबिशन है। हेलो सर। रेम्ब्रांट? ये रेम्ब्रांट की नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? नकल? नकल नहीं है सर, रेम्ब्रांट मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए उनके स्टाइल में पेंटिंग बनाई है सर। यू नो आई एम एक्सपर्ट ऑफ रेम्ब्रांट। और इतने महान आर्टिस्ट को इतने सरलता से लेने का मतलब होता है उनका अपमान करना। ये आपके जनरेशन की यही प्रॉब्लम। इंतजार करना आप लोगों को आता ही नहीं, बस थोड़े बहुत लाइन खींच देने से लगता है कि आप आर्टिस्ट बन गए। और एग्जीबिशन में ऐसे घटिया पागलपन को लटका कर ये इन लोगों के समय बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है आपको, समझे? ये जो भी इनाम है आपका मिस्टर मिगरे। मिस्टर पेंटिंग आपको अच्छी ना लगे ये हो सकता है, हो सकता है कि आप जैसे आर्ट क्रिटिक को हमें इनवाइट करना ही हमारी गलती थी, लेकिन किसी कड़वी बात को मिठास के साथ बोला जा सकता है मिस्टर ब्रेडियोस। आपकी हिम्मत देखकर मुझे हैरानी हो रही, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे यहाँ बुलाकर मेरा अपमान कर रही है। सुनिए, जो लोग शुगर कोटिंग से बात करते हैं ना वो हिपोक्रेट होते हैं, एंड आई एम नॉट हिपोक्रेट, एंड जो भी मैं कह रहा हूँ इनके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। सुनिए मिस्टर मिगरे, ये पेंटिंग करना आपके बस की बात नहीं, इससे आप दुखी हो सकते हैं लेकिन दुखी होने का कोई कारण भी नहीं होना चाहिए। हर कोई कवि नहीं होता, हर कोई अभिनेता भी नहीं होता, वैसे ही हर किसी को पेंटिंग आती हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि औकात से ज़्यादा कुछ करने जाएंगे मिस्टर मिगरे तो रंग समय पैसा सब बर्बाद होगा, इसलिए सलाह देता हूँ समय रहते तो दूसरा काम चुन लीजिए, अगर उम्र हो गई तो कारपेंटरी का भी काम नहीं मिलेगा।
पहचाना मुझे? मैं वो जो एक बार एम्स्टर्डम में मिला था, एक बार पेरिस में। मैं हूँ पाउलो, रोम के इस आर्ट गैलरी का वॉचमैन। हाँ, आपको एक बात बताऊं, यही तो रखे हुए हैं द ग्रेट मास्टर कारावज्जियो की सभी मास्टर पीसेस। और हर रोज दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं दुनिया की बेशकीमती पेंटिंग्स को देखने के लिए। जो लोग सच में पेंटिंग्स देखने आते हैं और जिन्हें कला से प्रेम है, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बीच बीच में ऐसे ही लड़के लड़कियां आ जाते हैं जो पेंटिंग्स को छूने लगते हैं, यहाँ तक कि कितना मना करो मानते ही नहीं। मौका मिलते ही पेंटिंग के रंगों को कुरेदने लगते हैं ऐसे। और अगर मैं कड़ी नज़र ना रखूँ ना, तो वो लोग उस पर अपना नाम भी लिख देते हैं। इसलिए बड़ा सचेत होकर रहना पड़ता है। ये साल 1932 है और अभी आर्ट गैलरी को बंद करने का समय हो चुका है। सारे विजिटर्स भी जा चुके हैं, लेकिन देख रहे हो ना उस शख्स को, वो पिछले 3 घंटे से एक ही पेंटिंग के सामने खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी आत्मा इस दुनिया में हो ही नहीं। होता है जब कोई इंसान किसी चीज का जरूरत से ज्यादा आकलन करने लगता है तो ऐसा होता है। लेकिन मुझे भी तो घर जाना है, मुझे अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन मुझे ये निर्देश मिला है कि किसी भी विजिटर्स को परेशान ना करो। लेकिन घंटे लगे हुए 15 मिनट बीत चुके। नहीं, अब तो इनको भगाना ही पड़ेगा, अब तो इनको भगाना ही पड़ेगा। हेलो सर। हेलो। सर, अगर हम एक दूसरे से विदा लें सर, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी सर? मैं इस पेंटिंग के सामने थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? सॉरी सर, समय हो चुका है, वो भी बहुत पहले ही। सर, अगर आप कल आए तो सर। बस आज थोड़ी देर रुकने दीजिए, कल मैं फिर से आ जाऊंगा। सॉरी मिस्टर पाउलो, इस आर्ट गैलरी का वॉचमैन हूँ सर। सर, अगर आप अनुमति दें तो आपसे एक प्रश्न पूछो सर। प्रश्न पूछो सर। हाँ श्योर, चलिए बाहर चलते हैं और एक सिगार जलाते हैं। ओके सर। सर, आप कल भी आए थे और कल तो आपके साथ एक मैडम थी सर। हाँ, मेरी पत्नी जो। सर, कल भी मैंने आपको देखा था, आप इसी कारावज्जियो की पेंटिंग के सामने बड़ी देर तक खड़े रहे थे और मैडम भी आपके इस हरकत से परेशान हो गई थी सर। अरे, वो एक बेवकूफ महिला है, थिएटर एक्ट्रेस है और उसे ये भी नहीं पता कि पेंटिंग कैसे देखते हैं। सर, बुरा मत मानिए, हम तो छोटे मोटे ये वॉचमैन हैं सर। नहीं सर, हजारों लोग आते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सर आप एक ऐसे पहले इंसान हैं जो एक ही पेंटिंग को बड़ी देर तक देखते रहते हैं सर। वैसे सर क्या, सर क्या देख रहे थे सर? क्या देख रहे थे? रेजरेक्शन। रेजरेक्शन के बारे में जानते हैं आप? पुनर्जन्म। हाँ, जानता हूँ। वो लोग कितनी भी कोशिश करें मुझे खत्म करने की, मेरा वजूद मिटाने की, लेकिन मैं ठीक बच जाऊंगा जीसस की तरह। सर, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, और आपको कौन खत्म करना चाहता है सर? वो आर्ट क्रिटिक्स का झुंड, वो हमेशा चाहेंगे अपने ज्ञान के अहंकार से, मूर्खता से तुम्हें खत्म कर दे। वो चाहेंगे कि तुम्हारे अंदर की आग बुझ जाए, वो चाहेंगे कि तुम्हारे विश्वास को निचोड़ कर उसका कचरा बना दे, भूसा बना दे। बेवकूफ कहीं के, इन बेवकूफों को पता नहीं है कि इन्हीं जैसे लोगों के लिए जीसस बार बार जन्म लेते हैं। ये सूली पर चढ़ने के बाद भी और कब्र में जाने के बाद भी जीसस बार बार आते हैं। मैं भी लौट आऊंगा। और ये जो तुम मुझे बार बार जाने के लिए कह रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरा नाम भी सुनोगे तो खड़े हो जाओगे। ये पूरी दुनिया अपना सर झुका कर खड़ी रहेगी मेरे सामने। ये कारावज्जियो मुझे उसी रास्ते के बारे में बताकर गए। तुम ये बताओ, तुमने वर्मियर की पेंटिंग देखी है? बताओ तो लाइट किस तरफ से आती है? रोशनी इधर से। नहीं पता ना? ये बताओ तुम कि तुम ईश्वर की तरफ हो या शैतान की तरफ? सर, मुझे कुछ नहीं पता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? आग है आग, सिगार पियोगे? सॉरी सर, मैं स्मोक नहीं करता सर। स्मोक नहीं करते? एक कैसी दुनिया में जी रहे हो तुम? तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि धुएं में कौन कौन सी चीज छिपी हुई है, कौन कौन से राज छिपे हुए हैं।
मेरी आग कहाँ खो गई? आग चाहिए, आग, आग चाहिए। नहीं, तुम वो बताओ, जीसस को जिसने पहली बार सराय में देखा था उसका नाम क्या है? बताओ 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 जीसस को मृत्यु के बाद जो देखकर चौंक गया था उसका नाम क्या है? बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर, मैं छोटा मोटा वॉचमैन हूँ सर, मुझे बस इतना पता है कि मुझे घर जाना है, मेरी बीबी के पेट में दर्द है सर। उसका नाम है क्लियोपस। क्या नाम है? क्लियोपस। हाँ, पता पता कुछ है नहीं। और वॉचमैन, वॉचमैन, हे तू ये बता, ये नाइट वॉच किसने बनाई थी? बताओ बताओ बताओ, नाइट वॉच, बड़ी सी पेंटिंग, वो रंग बिरंगी, बताओ बताओ बताओ, कहाँ से पता होगा? ये बकवास, रेम्ब्रांड ने बनाई थी। किसने बनाई थी? रेम्ब्रांड। हाँ, नाइट वॉच के बारे में नहीं पता और आर्ट गैलरी के वॉचमैन बने थे, बेगों को पता इसकी जरूरत होने लगी। काराबच्चियों को अगर जानना है तो तुम्हें पहले अंधेरे और रोशनी को जानना पड़ेगा, खुद के अंदर की रोशनी और अंधेरे को पहचानना पड़ेगा। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू देखो, डेविड विद द हेड ऑफ गोलियत देखो, दोनों पेंटिंग देखना। हाँ, दोनों पेंटिंग देखना और फिर समझना प्रकाश और अंधेरे का जादू। मिकेलेंजेलो मेरी सी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, माइंड इट, वो काराबाजियो है। मिस्टर मिग्रे, आप बार बार मुद्दे को दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? यह मुद्दा काराबाजियो नहीं है, वर्मियर है, वर्मियर। और हमें पेंटिंग की हिस्ट्री में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि वर्मियर की डेड एड्रेस आपने किसको बेची थी, बताइए बताइए। मेरा सर चकरा रहा है, मैं बहुत थका हूँ, मुझे मुझे थोड़ी थोड़ी मॉर्फिन मिल सकती है? इससे मिल जाएगी मिस्टर मिग्रे, मिल जाएगी। आप अच्छा महसूस करें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस आप हमें नाम बता दीजिए, मॉर्फिन तो यूं यूं आ जाएगी। सोचिए, बताइए किसकी बात कर रहे हैं? अरे भाई, पहले दिन से बता रहे हैं, वाल्टर रूफर या वो मौसी बत्री है सांदे। यकीन मानिए ऑफिसर, मैंने इन दोनों में से किसी को पेंटिंग नहीं बेची है। झूठ, मतलब मेरी की कसम, मैं झूठ क्यों कहूंगा आपसे, क्या फायदा होगा मेरा इससे? सही बात है दुमा, क्या ही फायदा होगा इनका इससे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मिस्टर मिग्रे, बता दीजिए, बोलिए किसको? हाँ किसको, बताइए किसको, किसको सोचिए, इसको याद करने की कोशिश करिए। मील्ड, मील्ड कौन? मील्ड, मील्ड, मील्ड कौन? रोटरडेम के आर्ट कलेक्टर जॉन मील्ड को। और आपको कहां से मिली वो पेंटिंग? ओह जीसस, सोचिए सोचिए मिस्टर मिग्रे, बताइए, सोचिए सोचिए। कहां 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 कहां? मॉर्फिन आ रही है। एक औरत ने मुझे वो पेंटिंग दी थी। औरत कौन? औरत? लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। नाम क्यों नहीं बताना चाहते? नाम बता दूंगा तो वो बर्बाद हो जाएगी। मिलान में उसका एक पति है, बच्चा है। मिस्टर मिग्रे, सितंबर का महीना चल रहा है, विश्व युद्ध खत्म हो चुका, इटली के शासक बेनितो मुसोलिनी को वहां की जनता ने मार के लैंप पोस्ट पे लटका दिया है। और सुनिए, मुझे नहीं लगता कि मैडम मावरोक का इतना कोई खौफ है वहां पे। मावरोक? मावरोक आपको कैसे पता? आपको क्या लगा सरकार बस मुझे मॉर्फिन खिलाने की तनख्वाह दे रही है, है? चलिए बताइए मैडम मावरोक कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे मॉर्फिन दे दो। समीग्रे, मैडम मावरोक कहाँ है? नहीं पता मुझे। ठीक है, मान लिया कि पेंटिंग को लेकर वो प्रेमेवेरा में आई थी, तो उस समय वो कहाँ रहती थी मिस्टर मिग्रे? इसलिए मैं उसका ठिकाना कहाँ था? मुझे नहीं पता, मुझे केवल उसका नाम पता है। क्या वो नाजिस भाई थी? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, अभी आपने कहा आप उसे जानते नहीं पहचानते नहीं, अब आप कह रहे वो नाजिस सिपाही नहीं थी, कैसे? कैसे? क्योंकि वो नाम मावरोक मैंने उसे दिया है, फेक, उस नाम का कोई है ही नहीं। ऑफिसर, मुझे थोड़ी मोर, मुझे थोड़ी मॉर्फिन दे दो। क्या हो गया? सर क्या हो गया मिस्टर मिग्रे? क्या रहे इन्हें? मॉर्फिन चाहिए। सोचिए, मांगने की भी एक लिमिट होती है। चलो बैठ,
प्लीज ऑफिसर, प्लीज थोड़ी माफी दे दो ऑफिसर, प्लीज ऑफिसर, मिस्टर मिगले सुनिए ना मिस्टर मिगले, आपको बहुत तकलीफ हो रही है मिस्टर मिगले, सुनिए ना मिस्टर मिगले, पापा कौन इन्हें? ओह जीसस, जिस दिन से तुझे पहली बार देखा था उसी दिन से मेरा मन कह रहा था कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता तो है। ठीक है ना, जैसा चेहरा बिल्कुल वैसी ही आंखें। कहाँ चली गई थी तू बता, कहाँ चली गई थी? नहीं मुझे इन लोगों से बचा ले, नहीं मुझे इन लोगों से बचा ले। आप इन्हें सच क्यों नहीं बता देते? किसे बचाना चाह रहे हो? क्या गारंटी है कि जिसे आप बचाना चाह रहे हो वो कोई प्रवंचक ना हो? प्रवंचक? तू जानती है उसे? नहीं, और जानने की कोई इच्छा भी नहीं है मेरी। मुझे लगता था कि कला की दुनिया रोशनी की तरह साफ है, मगर इसमें इतनी गंदगी और अंधेरापन। तू घृणा करती है मुझसे? मैं करती हूँ आपसे घृणा। जिस तरह से आपने मेरी माँ के साथ विश्वासघात किया, उनको अपने से दूर भगा दिया, उन सबको देखकर तो आपको यही मिलना चाहिए, आप इसी के लायक हैं। मैं घृणा के ही लायक हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरे अंदर ये घृणा पैदा की, जिन लोगों ने मेरा रंग ब्रश सब कुछ छीन कर मेरे सपनों को पैरों तले रौंद कर मुझे एक अपराधी बना दिया, क्या वो लोग घृणा के लायक नहीं है? आप किसके बारे में कह रहे हैं? वो ब्रेडियूस और बाकी बेवकूफ आर्ट क्रिटिक, दोस बास्टर्स। I want to cheat them. And I had done it so well. आप भी क्या कह रहे हो पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं। तू ही मेरा कन्फेशन बॉक्स है। मैं तेरे ही सामने मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। ये जिस वर्मियर की पेंटिंग को लेकर आज ये पूरी दुनिया हिली हुई है, वो उन पुलिस ऑफिसर की आंखों की नींद उड़ गई है, वो सब नकली है, फेक है, फेक। सुन लो बेवकूफो, तुम भी सुन लो, उस एडल्ट्रेस को वर्मियर ने कभी बनाया ही नहीं, उसे बनाने वाला मैं हूँ, मैं हान वा मिग्रे। कोइरिंग को ठगा मैंने, नकली पेंटिंग बेचकर मैंने त्रवंचना की है पूरी दुनिया के साथ, प्रतिशोध लेना चाहता था मैं। मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दो, मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दो ना, मुझे माफी दो ना। वैसे इस जगह का नाम है रोके ब्रॉन, मिंटन और मोनाको के बीचों बीच दक्षिण फ्रांस का एक छोटा सा गांव। हाँ, बगल में समुंदर है और ये जगह बड़ी शांत किस्म की है। इटली की सीमा यहाँ से 10 मील की दूरी पर है। ये साल 1932 है और मुझे कुछ समय पहले ही एक पेंटर मिला है।
वो जो मकान देख रहे हो ना, वो वाला, वो उसी में रहे हैं। वैसे शुरू शुरू में उनके साथ उनकी सिर्फ बीवी भी थी। टहलते टहलते ही तय कर लिया कि यहाँ रुक लेते हैं, ठहर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ एक मकान चाहिए ऐसा कि वहाँ मुझे शोध का काम करना है, इसलिए कोई झंझट नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन एक दिन उनकी बीवी गायब हो गई, तब से बेचारे वो उसी मकान में रहते हैं अकेले। बड़े अजीब किस्म के इंसान हैं, बातचीत बहुत कम करते हैं और कभी कभी ऐसी ऐसी बातचीत करते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती। जैसे फिर मैंने उनसे एक दिन बोला कि सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपका खाना आपके मकान में ही पहुंचा दूं सर। इस पर चौंक गए, बोले कि जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी चलना फिरना आता है और मुझको देखकर कहीं से लगता है कि मैं अपाहिज हूं। अब आप ही बताइए, ऐसा सुनने के बाद कोई किसी की मदद करना चाहेगा भला? मैंने उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जैसे रहना हो वैसे रहो, बस मेरी होटल की पेमेंट कर दो, बस चलता हूं। मुझे और भी कस्टमर के लिए खाना पैक करना है। शुरू करी, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई किसी को ठग रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कोई किसी को चूता मार रहा है, इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? ये दुनिया साली बड़ी हरामी है। हरामी, हरामी, हरामी वो प्रोड्यूस जिसने अपनी पहुंच और ताकत दिखाकर मुझे हवा मिगरे को नीचा दिखाया। देखना देखना, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं उसे दूर चटा दूंगा। और उस दिन मैं तेरे साथ सोऊंगी रे चीता। चीता क्यों है? टेटुआ दबा दूंगी तेरा। तुम्हें यहाँ का पता कहाँ से मिला? तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ।
यहाँ कोई नहीं रहता, मैं रहता हूँ खुद के साथ। ए, तुम जाओ ना से, यहाँ भूत रहते हैं। दो खून हुए हैं इसी कमरे में, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं रहता हूँ और मेरे सपने रहते हैं। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। तुमने क्या शुरू किया है हान? इतना भयंकर खेल तुम क्यों खेल रहे हो? सुनो सुनो, तुम एक कलाकार हो ना, है ना हान? कलाकार? हाँ कलाकार, कलाकार ही तो हूँ मैं, लेकिन किसी युग का नहीं, किसी काल का नहीं। मैं हूँ फ्रांस हॉल्स, मैं हूँ तबोर, मैं हूँ दहू, मैं ही हूँ वर्मियर, और मैं ही हूँ कराबज्जियो, मैं ही हूँ कराबज्जियो की ये पवित्र पेंटिंग, जीसस की इस पवित्र पेंटिंग को लेकर प्रवंचना क्यों किए जा रहे हो हान? नहीं हान, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं 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 नहीं, ठीक ही किया अगर प्रवंचना की भी तो। तुम देखना, एक प्रवंचक के तौर पर मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रवंचक बन जाऊंगा। मैं उन सुअरों की औलादों के मुंह पर कसकर तमाचा मारना चाहता हूँ। और तुम्हें इससे क्या अगर मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ तो? तुम्हें इससे क्या अगर मैं खुद के अंदर के कलाकार को मार रहा हूँ तो? तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ हान। प्यार? प्यार? बकवास! अगर तुम मुझसे प्यार ही करती थी तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इसका उत्तर तो तुम खुद जानते हो हान। बताओ। तब तुम जो के प्यार में डूबे हुए थे, और जब मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ जो के लिए ही प्यार है, तब मैंने बिना किसी हक के खुद को तुमसे अलग कर लिया। नहीं ऐना, 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 तुम कहाँ रहती हो ऐना? बहुत दूर, समंदर के उस पार, उससे भी दूर, आसमान के उस पार, बहुत दूर। ऐना लौट आओ, ऐना मेरे सर पर अपना हाथ रख दो, मैं बहुत थक गया हूँ ऐना, बहुत थक गया हूँ। गिरजा घर तोड़ दिए, लाखों हत्याएं की, यहां तक कि हमारे बच्चों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारा देश आजाद हो चुका है। दोस्तों, इतनी
रक्तपात और लड़ाई के बाद ये आजादी मिली है वो जर्मन सेना अब हमारा देश छोड़कर भाग चुका है, लेकिन सुबह की पहली रोशनी की तरह और यीशु की पवित्र वाणी की तरह एक खबर से हम लोग बहुत खुश है, और यह खुशी अब थमने वाली नहीं है। आप सब यह खबर जानते हो कि जर्मन सेना नायक गोरिंग को नकली पेंटिंग देकर किसने ठगा था? मिग्रेन। दोस्तों मिग्रेन एक नाम नहीं बल्कि हम नीदरलैंड वासियों के लिए गर्व है गर्व। अगर किसी ने उस जर्मन सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो वो है हान वा मिग्रे, और इसलिए हम पूरे नीदरलैंड वासियों की तरफ से ये मांग करते हैं कि मिग्रे के खिलाफ सारे इल्जाम को वापस लिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और इसलिए हम सबको एकत्र होकर आवाज उठानी होगी, रिहा करो रिहा करो मिग्रे को, रिहा करो रिहा करो रिहा करो मिग्रे को, रिहा करो आपकी मानसिकता को लेकर पुलिस सुपर डिवेल्डी ने सवाल उठाए हैं मिस्टर मिग्रे, और सारी मीडिया भी ये मानती है कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं और उलझुल बते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे पागलों की दुनिया में सभी लोग सभी में एक पागल ही तो ढूंढेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर। तो आप यही कहेंगे ना कि वो पेंटिंग वर्मियर ने नहीं आपने, हाँ वाह मिग्रे ने बनाई है। वाह, बहुत सही समझा है, मैंने आपसे इतनी आशा तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा और समझ लीजिए कि सिर्फ एडल्ट्रेस ही नहीं बल्कि पिछले 6 सालों में युद्ध के दौरान जितनी भी वर्मियर की पेंटिंग्स मिली हैं, हाँ वो 9 की 9 पेंटिंग्स मेरी ही बनाई हुई, और सिर्फ वर्मियर ही नहीं फ्रांस हॉल्स दहू तबोर्क इन सभी की पेंटिंग स्टाइल्स की मैंने नकल की है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सारी पेंटिंग्स लाखों बिल्डर्स में बिकी हैं, और साथ ही साथ आज बड़े बड़े म्यूजियम्स की शोभा भी बढ़ा रही हैं। क्या चक्कर आ गया क्या? ओह माय गॉड, रुमा सॉरी, आई एम रियली सॉरी मिस्टर मिग्रे, पर मैं आपकी बकवास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता है लियोनार्डो की मोनालिसा मैंने बनाई, और वो पोर्टिचेली की बर्थ ऑफ वीनस मैंने और दुमा ने इसी पुलिस स्टेशन में बनाई, क्यों इस बात को अब आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? कैसे? दो तरीकों से। कैसे? पहला तो ये कि आप पूरे पागल हो, इसलिए दूसरा सवाल करने की मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही, और सेकेंडली मिस्टर बेन मेरा खुद पर ही कोई विश्वास नहीं, इसलिए मैं ये भी सोच सकता हूँ कि लुवोर म्यूजियम में कहीं नकली मोनालिसा की पेंटिंग तो नहीं रखी हुई है। मिस्टर बेन, एक हारा हुआ कलाकार क्या कुछ नहीं कर सकता इसका आपको अभी कोई अंदाजा ही नहीं। ठीक है मिस्टर मिग्रे, मान लिया, पर जब आपने क्राइस्टचर्च इमायूस डॉक्टर बूम को बेची थी तब उन्होंने जाने माने आर्कटिक डॉक्टर ब्रिटिश से उसकी जांच पड़ताल करवाई थी। इससे क्या साबित होता? इससे यही साबित होता है कि वर्मियर की वो असली पेंटिंग थी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती और मानती भी है कि डॉक्टर ब्रिटिश एक नंबर गधा। डॉक्टर ब्रिटिश दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, उसे ना असली की पहचान है ना नकली की। एक बार मैंने उसके पास असली फ्रांस हाउस भेजी तो उसे देखकर कहने लगा, मुझे धोखा नहीं कर सकते, इसे लेकर अभी यहां से चले जाओ। और फिर जब मैंने नकली वर्मियर की पेंटिंग उसके पास भेजी तो उसे देखकर रोना धोना शुरू कर दिया और असली समझकर प्रूवन सर्टिफिकेट दे दिया। इसे ही कहते हैं गधा आर्ट। हाँ ठीक है, जो भी आपकी बकवास है ठीक है। और सुनिए मिस्टर प्रोड्यूस के अलावा और भी वर्मियर स्पेशलिस्ट है नीदरलैंड्स में, अगर उन सबको मैं यहाँ खड़ा कर दूं मिस्टर मिग्रे तो क्या आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि वो पेंटिंग आपने बनाई है? बोलिए। नहीं। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप जिन लोगों को वर्मियर एक्सपर्ट कह रहे हैं दरअसल वो मेरी ही बनाई हुई नकली वर्मियर की पेंटिंग्स पर रिसर्च करके डिग्री हासिल कर चुके हैं, आर्ट जर्नल में नकली वर्मियर को लेकर आर्टिकल भी लिख चुके हैं, और यहां तक कि उन पेंटिंग्स पर पीएचडी भी कर ली है, डीफिल भी कर ली है, और
देश विदेश जाकर भाषण तक दे डाले हैं। और आपको एक कमाल की बात बताऊं मैं मिस्टर बेन, उन नकली वर्मियर की पेंटिंग्स को देखकर उन बेचारे क्रिटिक्स की आंखों में आंसू तक आ चुके हैं और हंसते हंसते पुरस्कार भी ले लिया है। तो आपको क्या लगा मिस्टर बेन कि ये गधे मान लेंगे कि मैं हान मॉम इग्रे एक हारे हुए कलाकार ने उनके गालों पर कस के एक थप्पड़ मारा है? अब ये कहना चाह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में आपके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं कि प्रूफ करने का कि एडल्ट्रस पेंटिंग आपने बनाई? क्यों, यही बोल रहे हैं ना? आप लोगों की बस यही एक समस्या है, मैंने जो नहीं कहा आप उसी को लेकर बैठ जाते हैं। मैंने तो बस इतना कहा कि आपके वो आर्ट क्रिटिक मेरी बातों को मानेंगे नहीं। मिस्टर बेन, आप एक काम करिए, आप कुछ साइंटिस्ट्स को इस जेल में बुलवाइए जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोकेमिस्ट्री, रेडियोग्राफी और हाँ एक्सरे फोटोग्राफी की जानकारी हो। इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों के सामने साबित कर दूंगा कि ये सारी पेंटिंग्स 20th सेंचुरी में। ठीक है, मान लिया कि आप साबित कर देंगे कि ये सारी पेंटिंग्स 20th सेंचुरी में बनी, पर ये कैसे साबित करेंगे मिस्टर मिग्रे कि सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? हाँ, बताइए कैसे? ये जबरदस्त सवाल किया है आपने, बिल्कुल किया जबरदस्त। अब आप तो ईश्वर को चैलेंज कर बैठे हैं अगर कि ये सृष्टि उसकी नहीं है। हाँ, नदी को कहेंगे कि पानी उसका नहीं है, राइट, और बादल से कहेंगे कि बारिश उसकी नहीं है, तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? लेकिन मैं कर सकता हूं। अच्छा। कर सकता हूं। कैसे? उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बस करो मिस्टर बेन, आप मुझे 400 साल पुराना कैनवस और कुछ रॉ मटेरियल्स लाकर दे दीजिए, मैं इसी जेल में आप लोगों की आंखों के सामने एक और नया वर्मियर पैदा करके दिखा दूंगा। चैलेंज एक्सेप्ट करने का साहस है आपने? क्या हुआ, अब आप चुप क्यों? आ जाओ तुम।
नवंबर 1947 है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ एम्स्टरडैम के रीजनल कोर्ट के रूम नंबर 4 में। आज मिस्टर मीग्रे के ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की जाएगी, इसलिए पूरे विश्व के ललित कला के आर्टिस्टों और अखबार वालों की नज़रें इस कोर्ट रूम पर हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोर्ट रूम कभी नहीं देखा जिसकी दीवारें मिस्टर मीग्रे की बनाई हुई पेंटिंग से ढकी हुई हों और दिन रात पहरा दे रहे हों हम जैसे एम्स्टरडैम के सशक्त पुलिस ऑफिसर्स। अंदर बात कर रहे हैं डॉक्टर कोरमैन, कोर्ट के कमीशन के द्वारा बनाए गए चेयरमैन और प्रख्यात आर्ट क्रिटिक। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। हावान मिग्रे द्वारा बनाई गई पेंटिंग की सच्चाई जानने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने जो कमीशन बनाई थी उसके प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं डॉक्टर पॉल कोरमैन अपनी दलील पेश करता हूँ। योर ऑनर, किसी भी चीज़ को जांचने के लिए जो टेस्ट करने पड़ते हैं कमीशन ने उन सारे टेस्टों को किया है, जैसे फ्लोरोसेंस, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड टेस्ट के जरिए यह साबित हुआ है कि सारे कैनवासों पर रीपेंट किया गया है, यानी पुरानी पेंटिंग्स को मिटाकर उन पर नई पेंटिंग बनाई गई है। सेकेंडली, माइक्रोकेमिकल में यह साबित होता है योर ऑनर कि ये रंगों के कण जो है वो 17th सेंचुरी के नहीं है, यानी वाइट लेड टेस्ट और कोबाल्ट ब्लू टेस्ट के जरिए यह प्रूफ हुआ है कि मिस्टर मीग्रे ने अपनी पेंटिंग में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया है उसका आविष्कार वर्मियर के मौत के बाद हुआ था। योर ऑनर, मैं कमीशन की तरफ से निश्चित होकर यह बता देना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी पेंटिंग्स 20th सेंचुरी में बनी है, इसे कतई वर्नियर ने नहीं बनाया है। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर वर्जनबर्ग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर आप अपनी बात कहिए। मैडम प्रेसिडेंट, मैं अपना गवाह प्रूफ पहले ही कोर्ट में पेश कर चुका हूं। नेदरलैंड्स की बेहतरीन कलाकृतियों ने दुनिया के दरबार में नेदरलैंड का सिर हमेशा ऊंचा किया है। महान पेंटर वर्मियर, रेम्ब्रांट, विंसेंट वैन गॉग जिस धरती पर पैदा हुए थे उसी धरती पर एक थल, एक प्रवंचक जन्म ले सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। मिलोर, मिस्टर मिग्रे की प्रवंचना ने पूरे विश्व में नेदरलैंड्स का सिर नीचा कर दिया, इसलिए मिस्टर मिग्रे एक देशद्रोही है। मैडम प्रेसिडेंट, हमें यह याद रखना चाहिए कि जब जर्मन यहाँ आकर लूटपाट कर रहे थे, हमारी औरतों का बलात्कार कर रहे थे, हमारे गिरजाघरों को नष्ट कर रहे थे, हमारे ट्यूलिप के बगीचे को जला रहे थे, तब मिस्टर मिग्रे जर्मनी में बैठकर उनके लिए एग्जीबिशन की तैयारी में लगे हुए थे। मिलोर, हो सकता है कि ये पेंटिंग नकली हो, इसे वर्मियर ने ना बनाया हो, इसे मिग्रे ने ही बनाया, फिर भी इस संपत्ति को भेजा गया था उस नाजी नायक गोरिंग के पास। मिलोर, इस आदमी ने पैसों के लालच में आकर हजारों कला प्रेमियों को ठगा है। इस तरह से एम्स्टरडैम का एक बैगर आज मिलियनेयर आर्ट डीलर बन गया। मैडम प्रेसिडेंट, मिस्टर मिग्रे ने अपनी एक एक संपत्ति का एक एक गिल्डर देश को ठगकर, इंसानों को ठगकर बनाया, इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है मिलोर, इस इंसान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर हेंड्रिकस एंटोनियस वॉन मीग्रे, क्या आप स्वीकार करते हैं कि सारी नकली पेंटिंग्स आपकी बनाई हुई है? मैडम प्रेसिडेंट, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई। क्या आपको अपने किए पे पछतावा है? नहीं माय लॉर्ड,
क्या आप अदालत से माफी मांगना चाहते हैं? नो माय लॉर्ड, मैं अपने किए की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर मीग्रे, फैसला सुनाने से पहले अदालत आपको मौका देती है, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट, मैं एक कलाकार हूं और कला से प्यार करके ही मैंने अपनी जिंदगी बनाई है, लेकिन इस समाज ने मुझे मेरी कला को कभी कोई सम्मान नहीं दिया। मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रवंचक के तौर पर याद रखे। माय लॉर्ड, मैं अपनी प्रवंचना अपने पिता हेनरिकस मिग्रे को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी बनाई हुई आसमान की एक पेंटिंग को फाड़ कर उसके 100 टुकड़े करके मेरे मुंह पर मारे थे। वो टुकड़े नाव बनकर तैर रहे थे एक बच्चे की आंखों में। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता था, इसलिए मेरे सेंट थॉमस स्कूल के टीचर ने मुझे पीट पीट कर 100 बार ये लिखवाया था कि मैं एक नालायक हूं, शून्य हूं, कुछ नहीं हूं, कोई नहीं हूं। माय लॉर्ड, मैं अपनी प्रवचना को समर्पित करना चाहूंगा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्ट क्रिटिक स्वर्गीय डॉक्टर अब्राहम ब्रेडियस को, जिन्होंने एक युवा की पहली पेंटिंग एग्जीबिशन में आकर उसे सलाह दी थी कि पेंटिंग छोड़कर कोई और पेशा अपना लो ताकि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। फिर उसी आर्ट क्रिटिक ने मेरी बनाई हुई नकली वर्नियर की पेंटिंग को असली समझकर रोते रोते उसको प्रूवन सर्टिफिकेट दे दिया था। माय लॉर्ड, मैं अपनी प्रवचना को समर्पित करना चाहूंगा उन सभी आर्ट क्रिटिक्स को जो हर दिन आर्ट जर्नल में लिखते थे कि मेरी पेंटिंग में सब कुछ है मगर ओरिजिनलिटी नहीं है। माय लॉर्ड, वही आर्ट क्रिटिक्स जो जिन्होंने कभी मेरी नकली पेंटिंग को असली समझकर सर्टिफाई किया था और उन्हीं के सर्टिफिकेशंस की वजह से सरकार ने लाखों लाखों गिल्डर्स देकर वो तमाम पेंटिंग्स खरीदी थी, और तब उन आर्ट क्रिटिक्स ने अपने सर्टिफिकेशन देने के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाकर अपनी प्रोफेशनल फीस ली थी, और आज वही आर्ट क्रिटिक्स उन्हीं पेंटिंग्स को नकली बताकर अपनी प्रोफेशनल फीस ले रहे हैं। क्या यह प्रवंचना नहीं है माय लॉर्ड? माय लॉर्ड, नाजियों के साथ मेरे संबंध को लेकर बहुत चर्चा हुई अदालत में और अखबारों में, यहां तक कहा गया है कि मैंने पेंटिंग बुक हिटलर को समर्पित की, जबकि यह भी साबित हुआ है कि वो सिग्नेचर मेरे नहीं है। माय लॉर्ड, दूसरों की तरह मैं भी नाजियों के किए नरसंहार की निंदा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं सैल्यूट करता हूं उस छोटे खत वाले इंसान को जिसने सारे लंबे खत के इंसानों के सर पर चढ़कर कहा था कि मेरी तरफ देखो, सर उठाकर मुझसे घृणा करो और मुझे याद रखो। बहुत बहुत छोटी उम्र में अकेलेपन में मुझे यह एहसास होता था कि अगर आपके पास क्षमता और ताकत ना हो तो इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। क्षमता और ताकत का मतलब किसी पर हमला करना तो नहीं है माय लॉर्ड, क्षमता और ताकत का मतलब है आखिरी सांस तक खुद को बचाए रख। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? थैंक यू मिस्टर मीग्रे,
अगर ये मान लिया जाए कि जिंदगी की हताशा और क्रोध की वजह से आपने प्रवंचना का रास्ता चुना, फिर भी ये सवाल रह जाता है कि क्या प्रवंचना केवल आपने पैसों के लालच में किया? माय लॉर्ड, 2 साल तक अदालत के चलते मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मुझे पता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है। क्या मैं अदालत से एक प्रवंचक की बातों पर विश्वास करने का अनुरोध कर सकता हूं? हाँ, ये बात सच है कि मेरी एक एक पेंटिंग लाखों गिल्डर्स में बिकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों का दाम नहीं होता समाज में उनका कोई भाव नहीं होता। अगर मैं वर्मियर की पेंटिंग्स का दाम कम रखता तो लोगों को लगता कि ये असली नहीं नकली हैं। लेकिन ये भी सच है योर ऑनर कि मैंने सिर्फ पैसों के लिए पेंटिंग्स नहीं बनाई, और ना ही पैसों की वजह से मेरा वर्मियर से लगाव। माय लॉर्ड मैं स्वीकार करता हूं कि हताशा और गुस्से की वजह से क्रिटिक्स को बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से मैंने ख्वाहिश से टिमायूस बनाई थी। हाँ, दिन दिन रात रात साल साल वर्मियर को समझते समझते, उनके ब्रश स्ट्रोक्स, उनकी लाइट एंड शेडोज को समझते समझते, उनकी जिंदगी को समझते समझते मैंने आविष्कार किया अपनी खुद की स्टाइल का। कैसे कैसे रंग बनाना है, कैसे कैसे हेयर क्रेक बनाना है, कैसे कैसे रिजरेक्शन होगा वर्मियर का, ये शोध करते करते मैं एक शैतानी कला के प्यार में पड़ गया था योर ऑनर। शैतानी कला के प्यार, मुझे पता था कि मुझे कोई याद नहीं रखेगा। हर एक कलाकार की ख्वाहिश होती है कि वो अमर हो जाए अपनी कला के जरिए। हर एक कलाकार चाहता है कि हर दर्शक आंखों में आंसू लिए नहीं, बल्कि अपने सर की टोपी उतार कर खड़ा रहे उसकी कला के सामने। हालांकि उन लोगों को पता नहीं है कि ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि लोग मिगरे को भले ही भूल जाएं मिगरे को, मगर उसकी कला हमेशा अमर रहे। थैंक यू योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एंटोनियो वान मीग्रे ने अपनी प्रवंचना के जरिए कलाकार, राष्ट्रीय और सारी गैलरी का संविधान के द्वारा की शिक्षा पुस्तिका के तो प्रवंचना के द्वारा Thank you.
धन्यवाद आप सभी सभी दर्शकों का। अभिनेताओं से गुजारिश है कि एक तरफ से क्रमवार अपना नाम। सचिन पटेल, तन्वी श्रीवास्तव, सूरज रावत, विकी राजवीर, अमित वर्मा, अंजलि शुक्ला, कुसुम दुबे, आर्यवन सक्सेना, नीतीश झा, अंकुर वर्मा, कृष्ण चौबे, अंकित मिश्रा, मार्टिना मेधी, अब्दुल संसारी, अभिषेक कुमार, दिव्य शुक्ला, संगम कुमार, नेहा शर्मा। मंच पर इन कलाकारों से साधारण अनुरोध है कि वो भी मंच पर पधारें। पटकथा कौशिक चटर्जी, जो अभी आज हमारे बीच नहीं है, यहाँ पर पटकथा अनुवाद किया है धनंजय शर्मा और कुशल दुबे ने, जो हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। एसोसिएट निदेशक देवपाल पॉल, जो आज कलकत्ता अपने शो के लिए चले गए हैं। सह निदेशक सूरज रावत, मंच व्यवस्थापक धनंजय शर्मा, सह मंच व्यवस्थापक कुशल दुबे। मंच परिकल्पना संदीप भट्टाचार्य ने की और सहायक के रूप में अकादमी के छात्रों ने सहयोग किया था। मंच निर्माण चंद्रभान विश्वकर्मा, वेशभूषा अभिकल्पना रत्ना भट्टाचार्य जी, मंच सामग्री मार्टिना बेदी, अब्दुल सलाम अंसारी, रितेश अस्थाना, मुख्य सज्जा और केश विन्यास। कितना बढ़िया सुंदर रूप दिया है शहीद अहमद जी। संगीत संकल्पक देव कुमार पॉल और संगीत संचालन किया है प्रथम वर्ष के छात्र ईश्वर नाना पाटिल। प्रकाश संकल्पना गोविंद सिंह यादव, सहायक प्रकाश संकल्पक रमन कुमार। ये एक छोटा सा क्यूट लाइट डिजाइनर की तरफ से दृश्य शब्द विन्यास जो हमारे हमने सुना वो था देव कुमार पॉल जी का। प्रकाश एवं ध्वनि टेक्नीशियन राजेश मौर्य, दिनेश चंद्र गुप्ता, जितेंद्र नेगी। प्रस्तुति प्रबंधक त्रिवेंद्र कुमार सिंह, प्रस्तुति समन्वयक मनोज शर्मा, सुधी प्रहा, सुमित श्रीवास्तव, वेब अधिकारी किशोर कुमार, प्रस्तुति सहायक दल आनंद कुमार मिश्रा, रिया जी, अमरीश, नीला भारती, वर्षिता मिश्रा, अरुण मिश्रा, राकाशी परिवार। प्रशासनिक अधिकारी रश्मि अस्थाना, प्रस्तुति नियंत्रण राहुल श्रीवास्तव और कैप्टन ऑफ द सीन, नाटक की परिकल्पना और निर्देशन संदीप भट्टाचार्य। विश्व रंगमंच दिवस की संध्या में आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि हमें आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द। आज इंटरनेशनल थिएटर डे के इस अवसर पर इतनी शानदार संख्या में यहाँ पर होने के लिए मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ। इन सारे कलाकारों ने पूरा अपना समर्पण करके इतनी सुंदर प्रस्तुति की है। इन सभी बच्चों को, सारे कलाकारों को और पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अपने जीवन के सारे जो भी चुने हुए उनके क्षेत्र हों, उसमें अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। विशेष रूप से संस्कृति विभाग एवं निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी श्री आनंद कुमार जी से अनुरोध है कि धन्यवाद ज्ञापित करें। सबसे पहले सभी कलाकारों को, आए हुए सभी
दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर इस भारतीय नाटक अकादमी पर जो द परफेक्ट फॉर्जरी नाटक का मंचन किया गया, इस अवसर पर हमारे अनुरोध को मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार करने वाले इस प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर अपर मुख्य सचिव होमगार्ड आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, उनके साथ आए हुए उनके मेहमान और हमारे दर्शकगण, सबसे पहले मैं आज इस अवसर पर आदरणीय सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने व्यस्तम समय से निकाल कर आज इन कलाकारों का प्रोत्साहन प्रदान किया। निश्चित रूप से हमारे अकादमी के इन विद्यार्थियों को आप जैसे महान लोगों से जो आशीर्वाद मिलेगा, ये वास्तव में आगे अपने क्षेत्र में बहुत उन्नत करेंगे। आज का फंक्शन मेरे ख्याल से आपने सभी ने देखा, जैसा कि सर ने कहा, प्रत्येक क्षेत्र में नाटक का नाम ही है द परफेक्ट फॉर्जरी। तो इस नाटक के मंचन में प्रत्येक जो अभिनेता है उसने अपने चरित्र के साथ पूरा पूरा न्याय किया है, और वास्तव में सभी ने जो अपना रोल किया सब में परफेक्टनेस महसूस हुई, कहीं कोई कमी हमको देखने को नहीं मिली। अभी ये फाइनल ईयर के छात्र हैं, अभी सीख ही रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही आगे और ऊंचाइयों को छुएंगे। सभी कलाकारों को भी धन्यवाद और ये शुभकामनाएं कि अपने ये अभ्यास सतत बनाए रखें और आप निश्चित रूप से बहुत ऊंची लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं मुख्य अतिथि महोदय का, उनके साथ आए हुए अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही अपनी नई नाटक प्रस्तुति के साथ हम आपके समक्ष होंगे। नाटक पढ़ें, देखें, नाटक करें। शुभरात्रि। कलाकारों से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि के साथ एक ग्रुप फोटो। सब लोग, कुछ लोग आगे बैठ जाएं, कुछ लोग बैठ जाइए तो नहीं, तुम लोग तो लंबे होते हैं, ये छोटे छोटे आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुभ रात्रि।